भारत माता की, भारत माता की। अब आगे अपने इस मवाना नगर और आसपास के क्षेत्र से उपस्थित यहाँ पे हमारे मवाना के सभी गणमान्य और वरिष्ठ समाज से भी उपस्थित है, मैं आप सबका भी इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ और समस्त आयोजक समिति की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन और आप सबको हम सब की तरफ से प्रणाम मैं निवेदित करता हूँ। और अब आज के आगे के काव्य पाठ के लिए और उसके कुशल संचालन के लिए मैं अपने बड़े भाई मुनीश अक्ष जी से आग्रह करता हूँ कि वो आए और आगे के कार्यक्रम का विधिवत रूप से संचालन करें। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। भारत विकास परिषद विराट भजन खान शाखा मवाना, विश्व हिंदू परिषद भजन दल मवाना तथा काव्य ब्रह्मास्त्र मवाना के संयुक्त तत्वाधान में यह कार्यक्रम आपके समक्ष किया जा रहा है। जैसे कि कहा जाता है शास्त्रों में लिखा, यत्र नार्यस्तु पूज्यते तत्र रमन्ते देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता भी निवास करते हैं। तो इसी कड़ी में हम 5 कार्यक्रम कर चुके हैं पहले भी यहाँ पे कवित्री सम्मेलन के, जिनमें से दो पहला एक कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद भजन दल और भारत विकास परिषद के साथ मिलकर पिछले नवरात्रों में किया था और ये प्रक्रम इस तरह चलता रहे यही चाहते हैं हम। और अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सरस्वती माँ की वैद्य पुत्री मोनिका देहलवी जी की सरस्वती वंदना के साथ। मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो मंच पर आए और माँ सरस्वती की वंदना के साथ इसका विधिवत शुरुआत करें। बहन मोनिका देहलवी जी, सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन करती हूँ, मंच को प्रणाम करती हूँ, आपकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। आदेश हुआ है सरस्वती वंदना के लिए, निवेदन करना चाहती हूँ और आप सभी से निवेदन करती हूँ कि आप अपनी पुष्प रूपी तालियां माँ शारदे के चरणों में समर्पित कर सकते हैं। मैं प्रारंभ करती हूँ, मंच का भी ध्यान चाहूंगी, सुनिएगा। देवी सरस्वती भगवती जया हो, जया हो, जया हो। देवी सरस्वती भगवती जया हो, जया हो, जया हो। वीणा पाड़ी ललित धनु धरी, वीणा पाड़ी ललित धनु धरी, हंस माहिनी कमले विमले। वीणा पाड़ी ललित धनु धरी, हंस माहिनी कमले विमले। अंधकार अज्ञान मिटा दो, अंधकार अज्ञान मिटा दो, ज्ञान ज्योति की सदा विजय हो। देवी रूप धरणी भगवती जया हो, जया हो, जया हो। ध्यान मुझे वरदान माँ दे दो, ध्यान मुझे वरदान माँ दे दो, 7 स्वरों का ज्ञान माँ दे दो। ध्यान मुझे वरदान माँ दे दो, 7 स्वरों का ज्ञान माँ दे दो। टूटे ना मेरे स्वर की साधना, टूटे ना मेरे स्वर की साधना, गीतों में मेरे ताल हुलाया हो।
जया हो, जया हो, जया हो। बहुत सुंदर, अति सुंदर प्रस्तुति में, बहुत ही सुंदर। सरस्वती जब मृत देह में भी पुनः नए प्राणों का संचार कर दें, कभी ये गीत थके हारे मोह में पड़े अर्जुन को अपना कर्तव्य याद दिलाते हुए प्रतीत होते हैं, कभी ये गीत सिकंदर की थकी हारी हुई सेना को जो वापस लौट जाना चाहती थी उसको दिए गए सिकंदर के उद्बोधन से प्रतीत होते हैं, कभी ये गीत शिकागो में स्वामी विवेकानंद द्वारा दिए गए अमर संबोधन से प्रतीत होते हैं। ऐसे अमर गीत, ऐसा अमर काव्य, ऐसे अद्भुत अद्वितीय अविरल अविनाशी गीत रहेंगे। माँ वीणा पाणी को नमन। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आभार व्यक्त करती हूं बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, काव्य ब्रह्मास्त्र, सभी का जिन्होंने मुझे यहां पुनः आमंत्रित किया है। पिछले नवदुर्गा में भी मैं यहां पर आई थी और आप सभी लोगों का बहुत स्नेह मिला था। आज प्रयास करूंगी फिर उसी भूमिका का निर्वहन कर सकूं जो आपकी मुझसे अपेक्षित है। चार पंक्तियों से बात प्रारंभ करती हूं, सुनिएगा। स्वागत, स्वागत। जब कहीं अपना परिचय देने का मन करता है, जब कहीं अपनी माटी का परिचय देने का मन करता है, तब ये चार पंक्तियां निकलती हैं, सुनिएगा। मैं वेदों का अमर ज्ञान, मैं ये मानती हूं कि सत्य सनातन धर्म के अनुसार आत्मा अजर है और अमर है, और यदि ऐसा है तो मेरे इस शरीर से पूर्व जो भी कुछ हुआ होगा वो मैंने सब देखा होगा, मेरी आत्मा उसके साक्षी है। पढ़ती हूँ चार पंक्तियां के। मैं वेदों का अमर ज्ञान, मैं वेदों का अमर ज्ञान, मैं वचनों की परिपाटी हूँ। मैं उस परिपाटी की बात करती हूँ जहाँ पिता के वचन के लिए पुत्र वन को चला जाता है। मैं वेदों का अमर ज्ञान, मैं वचनों की परिपाटी हूँ, मैं युद्धों का अर्जित फल, वीरों की हल्दी घाटी। मैं वेदों का अमर ज्ञान, मैं वचनों की परिपाटी हूँ, मैं युद्धों का अर्जित फल, वीरों की हल्दी घाटी हूँ। मैं सत्य सनातन सीतावन, मैं सत्य सनातन सीतावन, मर्यादित हूँ सदियों से, मैं तन मन से हिंदू हूँ, मैं भारत माँ की माटी। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी, तो जब भी मैं कवि सम्मेलन पढ़ने जाती हूँ, काश मवाना जैसे श्रोता मेरे साथ चलते। मुझे तो लगता है चार छह बस में यहीं से करके ले जाया करूं, इतने ऊर्जावान श्रोता बहुत आसानी से नहीं मिला करते। चलिए चार पंक्तियां और पढ़ती हूँ। जब कहीं अपने स्त्री होने पर गर्व होता है, यहाँ बहनी बैठी हुई सभी बहनों को समर्पित करती हूँ, मेरे सामने माता जी बैठी हुई है उनको समर्पित करती हूँ। मैं वंदे मातरम गीतों में, मैं वंदे मातरम गीतों में, मैं गीता का ज्ञान भी हूँ। मैं वंदे मातरम गीतों में, मैं गीता का ज्ञान भी हूँ, मैं गायत्री हूँ मंत्रों में, मैं शंकर का शमशान भी हूँ। मैं चक्र सुदर्शन केशव का, मैं चक्र सुदर्शन केशव का, मैं गांधारी का मान भी हूँ, मैं सीता रुक्मिणी सावित्री, मैं नारी की पहचान भी हूँ। मैं सीता रुक्मिणी सावित्री, मैं नारी की पहचान भी हूँ। और अब आपको एक गीत से जोड़ती हूँ। एक पात्र मैंने लिया, मैं उसको कोशिश करूंगी, लेकिन अभी जो मुझे याद है वो पढ़ती हूँ। हाँ, स्वागत है, बहुत अच्छा पढ़ा। एक गीत है मेरा जिसमें एक पात्र को मैंने लिया है भीष्म पितामह। प्रायः हम उन पर आक्षेप लगाते हैं और बहुत सारी बातें ठीक भी हैं कि एक महापुरुष होने के बाद भी वो कई जगह चुप रहे थे। मैं इस गीत को इसलिए नहीं पढ़ती कि मुझे उसमें कोई लांछन लगाना है, कोई आक्षेप लगाना है, सिर्फ इसलिए पढ़ती हूँ कि जब ऐसी परिस्थितियां हो तब हम और आप चुप न बैठे। गीत का प्रारंभ करती हूँ, सुनिएगा। कि यदि कुटिल समर की चालों से, यदि कुटिल समर की चालों से अभिमन्यु मारा जाएगा, यदि कुटिल समर की चालों से अभिमन्यु मारा जाएगा, हे भीष्म तुम्हारा पौरुष भी सदियों धिक्कारा जाएगा। यदि कुटिल समर की चालों से अभिमन्यु मारा जाएगा,
हे भीष्म तुम्हारा पौरुष भी सदियों धिक्कारा जाएगा, वे अश्रु तुम्हें धिक्कारेंगे, वे अश्रु तुम्हें धिक्कारेंगे जो द्रुपद सुता के बहते थे, वे अश्रु तुम्हें धिक्कारेंगे जो द्रुपद सुता के बहते थे, हे तात करो रक्षा मेरी जो भरी सभा में कहते थे। यदि धर्म का ही रक्षण ना हो, यदि धर्म का ही रक्षण ना हो तो मौन कलंकित होता है, यदि धर्म का ही रक्षण ना हो तो मौन कलंकित होता है, मात्र एक अनुचित निर्णय इतिहास में अंकित होता है। यदि धूर्त सभा के मध्य, यदि धूर्त सभा के मध्य वधु का चीर उतारा जाएगा, हे भीष्म तुम्हारा पौरुष भी सदियों धिक्कारा जाएगा। जय हो, जय हो। मुझे चार पंक्तियां और याद आती हैं, इसलिए याद आती हैं कि ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने भी हो सकती हैं, किसी बच्ची के साथ छेड़छाड़ हो रही हो और हम वहां से नजर चुरा कर चले जाएं तो हम आधुनिक भीष्म हैं। चार पंक्तियां आपको समर्पित करती हूँ, आपके मन की पढ़ती हूँ कि घूम रहे हैं ताक लगाए गीदड़ लोमड़ झुंडों में, घूम रहे हैं ताक लगाए गीदड़ लोमड़ झुंडों में, चाह रहे हैं भारत माता बट जाए फिर खंडों में, चाह रहे हैं भारत माता बट जाए फिर खन्नों में, और छुपे हुए सब सांप निकालो अपना राष्ट्र अखंड करो, उठो सनातन आग लगा दो सब जेहादी गुंडों में। जब हमारी बच्चियां किसी विधर्मी के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती हैं तो वो सूटकेस में बंद होकर मिलती हैं लाश के रूप में, और जब एक्सेप्ट नहीं करती हैं तब निकिता तोमर की तरह उसको गोली मार दी जाती है सरेरा। समस्या क्यों हुई मुझे और याद आती हैं चार पंक्तियां, कायर बनकर बैठे हिंदू गुंडों को आजादी है। हम अहिंसक नहीं थे, हम वो शौर्य वाली परंपरा से आते हैं जहां पर कोई देवी देवता भी जब अवतार लेते हैं तो हाथों में चक्र सुदर्शन होता है, तलवार होती है, गदा होती है, धनुष होता है, और हमको चरखा थमा दिया गया कि घूम रहे हैं कायर बनकर बैठे हिंदू गुंडों को आजादी है, कायर बनकर बैठे हिंदू गुंडों को आजादी है, चरखे वाला ढोंगी सारे भारत का अपराधी है, और ना बोले तो मारी जाए बेटी, ना बोले तो मारी जाए, हाँ बोले तो मारी जाए, ना बोले तो मारी जाए, हाँ बोले तो मारी जाए, सोच रही काफिर की बेटी, काफिर हम हैं, सोच रही काफिर की बेटी आखिर कहाँ बिचारी जाए, कैसे घर से बाहर निकले, पग पग पर जेहादी है, चरखे वाला ढोंगी पूरे भारत का अपराधी है। जय श्री राम। अब उस गीत पर पुनः लौटती हूँ। यदि कुटिल समर की चालों से अभिमन्यु मारा जाएगा, हे भीष्म तुम्हारा पौरुष भी सदियों धिक्कारा जाएगा। और मेरा ये मानना है कि जब एक स्त्री का चरित्र हनन होता है तो पूरी की पूरी सभ्यता नग्न होती है, कोई एक स्त्री नग्न नहीं होती है। जब नग्न सभ्यता करने को सारे कौरव हैं खड़े हुए, जब नग्न सभ्यता करने को सारे कौरव हैं खड़े हुए, हे गंगा पुत्र तुम्हारे भी क्यों नेत्र भूमि में गड़े हुए। जब नग्न सभ्यता करने को सारे कौरव हैं खड़े हुए, हे गंगा पुत्र तुम्हारे भी क्यों नेत्र भूमि में गड़े हुए, कब समय क्षमा कर पाता है, कब समय क्षमा कर पाता है ऐसे कुत्सित अपराधों को, सब पुण्य भेंट हो जाते हैं ऐसे हिंसक कुछ व्याधों को। यदि सिंहासन प्रतिवचन बद्ध, यदि सिंहासन प्रतिवचन बद्ध हो पाप निहारा जाएगा, हे भीष्म तुम्हारा पौरुष भी सदियों धिक्कारा जाएगा। अंतिम बंद पढ़ती हूँ।
सब जिसको दूत समझते हैं। जब महाभारत बिल्कुल लग रहा था कि अब होने ही वाला है, तब प्रभु श्री कृष्ण ने अंतिम प्रयास किया था। वे जानते थे कि कौरव 5 गांव देने को भी तैयार नहीं होंगे। उसके बाद भी वो उनके पास गए थे कि 5 गांव दे दो और इस युद्ध की विभीषिका को टाल दो। वो सिर्फ ये दिखाना चाहते थे कि नीच जो है वो कभी भी समझाने से समझते नहीं है, युद्ध ही अंतिम विकल्प होता है। कई बार तो सब जिसको दूत समझते हैं, सब जिसको दूत समझते हैं, सब जिसको दूत समझते हैं वो अजर अमर अविनाशी है। सब जिसको दूत समझते हैं वो अजर अमर अविनाशी है। जो भूमंडल का स्वामी है अब 5 ग्राम अविलाशी है। जो परम ब्रह्म अवतारी है, जो परम ब्रह्म अवतारी है उसको छल से क्या साधेंगे। जो परम ब्रह्म अवतारी है उसको छल से क्या साधेंगे। जो चक्र सुदर्शन धारी है कौरव उसको क्या। यदि मूर्ख कौरवों के द्वारा, यदि मूर्ख कौरवों के द्वारा केशव दुत्कारा जाएगा, हे भीष्म तुम्हारा पौरुष भी सदियों धिक्कारा जाएगा। अद्भुत है भाई। हे भीष्म तुम्हारा पौरुष भी सदियों धिक्कारा जाएगा। और मुझे अपने एक गीत है मेरा, उसकी 4-6 पंक्तियां याद आती हैं, पढ़ती हूँ कि ये अहिंसा मात्र भ्रम है, शत्रुओं का जाल है ये। सभी जो बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, मैं जानती हूँ बहुत ऊर्जावान बच्चे हैं ये। पिछली बार इनका मुझे बहुत ही सहयोग मिला था। जय श्री राम और वीर बजरंगी के नारे रुके नहीं थे। मैं वही अपेक्षा आपसे फिर करती हूँ कि ये अहिंसा मात्र भ्रम है, शत्रुओं का जाल है ये। मेरी कविता मात्र कविता नहीं है। भैया ने कहा था कि मेरा कार्य हिंदुत्व जागरण का है। लिखने को मैं गजल भी लिखती हूँ, प्रेम के श्रृंगार के गीत भी लिखती हूँ, मंच से पढ़ भी सकती हूँ, लेकिन मुझे लगा कि इस समय ये आवश्यकता है कि मुझे अपने हिंदुओं को जागृत करना है, हिंदुओं को जोड़ना है। क्या? इसलिए कि ये अहिंसा मात्र भ्रम है, शत्रुओं का जाल है ये। ये अहिंसा मात्र भ्रम है, शत्रुओं का जाल है ये। मान लो तुम बात मेरी, हिंदुओं का काल है ये। ये अहिंसा मात्र भ्रम है, शत्रुओं का जाल है ये। मान लो तुम बात मेरी, हिंदुओं का काल है ये। और इस अहिंसा से भ्रमित हो, इस अहिंसा से भ्रमित हो, वीर निष्ठा त्याग आए। और जब हुए हिंदू अहिंसक छोड़कर घर भाग आए, जब हुए, जब हुए हिंदू अहिंसक छोड़कर घर भाग आए। और यदि अहिंसा पूज्य होती, यदि अहिंसा पूज्य होती, यदि अहिंसा पूज्य होती, कृष्ण क्यों गीता सुनाते और शांति हेतु युद्ध निश्चित भेद क्यों हम। वाह। और एक गीत से जोड़ती हूँ। स्वागत। कि पुन सनातन उदित होगा, हार कर मत बैठ जाना। पुन सनातन उदित होगा, हार कर मत बैठ जाना। एक हिंदू मैं जगाऊं, एक हिंदू तुम जगाना। पुन सनातन उदित होगा, हार कर मत बैठ जाना। एक हिंदू मैं जगाऊं, एक हिंदू तुम जगाना। पुन सनातन उदित होगा। इस गीत को मैं पहली बार मंच पर पढ़ रही हूँ, और इसलिए पढ़ रही हूँ कि मैं जानती हूँ कि हीरे की परख जौहरी को ही होती है। यहाँ वो श्रोता हैं जो इस गीत का महत्व समझते हैं। पुन सनातन उदित होगा, हार कर मत बैठ जाना। एक हिंदू मैं जगाऊं, एक हिंदू तुम जगाना। पुन सनातन उदित होगा। तांडवी शक्ति के पूजक हार क्यों स्वीकार कर ले। तांडवी शक्ति के पूजक हार क्यों स्वीकार कर ले। क्यों अधर्मी आसुरी शक्ति को अंगीकार कर ले। क्यों अधर्मी आसुरी शक्ति को अंगीकार कर ले। मत करो विस्मृत प्रलय, जित मनुज की संतान है हम।
मत करो विस्मृत प्रलय जित मनुज की संतान है हम। अस्थियों के वज्र से असुरों के हरते प्राण है हम। स्वर्ग से संभव किया था, स्वर्ग से संभव किया था तारिणी गंगा को लाना। स्वर्ग से संभव किया था तारिणी गंगा को लाना। एक हिंदू मैं जगाऊं, एक हिंदू तुम जगाना। पुन सनातन उदित होगा, हार कर मत बैठ जाना। जय जय। ये समय जो है कभी कभी लगता है कि बहुत कठिन है, लेकिन हम जो हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। तो तम घना है किंतु जीवन ज्योति कर दें हम प्रवाहित। तम घना है किंतु जीवन ज्योति कर दें हम प्रवाहित। शक्ति उर्जित पंच तत्वों की हुई हम में समाहित। वेद श्रुतियों का हो जापन, वेद श्रुतियों का हो जापन। स्तुति प्रभु राम की हो, वेद श्रुतियों का हो जापन। स्तुति प्रभु राम की हो। सर्व मंगल भावना हो, सर्व मंगल भावना हो। कामना प्रभु धाम की हो, सर्व मंगल भावना हो। कामना प्रभु धाम की हो। नव उदित जीवन सुवासित, नव उदित जीवन सुवासित है सनातन को बचाना। नव उदित जीवन सुवासित है सनातन को बचाना। एक हिंदू मैं बचाऊं, एक हिंदू मैं बचाऊं, एक हिंदू तुम बचाना। भारत माता की। और ऐसे भी लोग हैं, अद्भुत गीत ऐसे भी लोग हैं। एक पार्टी के अध्यक्ष की पत्नी कहती हैं कि बाबा जी जो भगवा पहनते हैं उसका रंग और टोंटी पर जो जंग लगती है उसका रंग एक जैसा होता है। आपने सुना ही होगा, ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में, उनको ये पता ही नहीं है कि भगवा क्या है। मैं बताती हूँ चार पंक्तियों में, आपकी तालियों के साथ वो बात वहां तक पहुंचेगी। एमसीडी प्रोडक्शन यहाँ पर है, वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। उनको शुभकामनाएं देती हूँ इस बात के लिए कि वो मेरे वीडियो को प्रसारित कर पाते हैं, क्योंकि जो मैं लिखती हूँ वो लिखना कठिन है, और लिखने से अधिक वो पढ़ना कठिन है मंच पर खड़े होकर। और उससे भी कठिन है आप लोग उसको सुनते हैं, और उससे भी कठिन होता है कि कोई वीडियो प्रसारित कर दे। क्योंकि जब इस प्रकार की कविताएं मैं फेसबुक पर डालती हूँ, तो इतनी फैन फॉलोइंग होने के बाद भी, मेरे पेज पर 16 लाख फॉलोअर होने के बाद भी मेरी आईडी को ब्लॉक कर दिया जाता है। तो जो कह रहे थे कि जंग और भगवा का रंग एक सा होता है, उनको बताना चाहती हूँ कि हिंदू की पहचान है भगवा। हिंदू की पहचान है भगवा, हिंदू की पहचान है भगवा। गीता वेद पुराण है भगवा, हिंदू की पहचान है भगवा। गीता वेद पुराण है भगवा। और वर्ण संकरो इतना सुन लो, पूरा हिंदुस्तान है। और वो लोग उनकी पार्टी के जो मुखिया हैं, अब तो नहीं है, अब तो बेचारे साइड में पड़े हुए हैं कहीं। जब हमारे आदरणीय अटल बिहारी जी की अंतिम यात्रा निकली थी, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री 5 से 6 किलोमीटर तक पैदल चले थे। उस यात्रा को, उस भव्य यात्रा को देखने के बाद आदरणीय मुलायम सिंह जी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरी अंतिम यात्रा भी इसी तरह हो। तब कहीं जवाब देने का प्रयास किया है मैंने उन्हें। आप आदरणीय दादा का बड़ी हंसी मुझे दिखाई दी, एकदम प्रसन्न चित्त हो गए हैं। पढ़ती हूँ कि पितृहंता का इतिहास भैया हमारे यहाँ नहीं है, अजातशत्रु के अतिरिक्त। और जिनकी मानसिकता को वो कोशिश करते हैं, उनके यहाँ यही होता आया है कि भाई को मार के पिता को मार कर ही कोई सिंहासन पर बैठता है। तो जब उन्होंने ये कहा कि मुझे उसी तरीके का सम्मान चाहिए, तो मैं बताना चाहती हूँ कि राम सेवकों के, राम कार सेवकों के हथियारों को वो सम्मान मिलने वाला नहीं है। किस तरह नहीं मिलेगा सुनिएगा। कि औरंगजेब ने जन्म लिया है गौवंशी गोपालों से, औरंगजेब ने जन्म लिया है गौवंशी गोपालों से, और मियां मुलायम छले गए हैं खुद अपने ही लालों से। औरंगजेब ने जन्म लिया है गौवंशी गोपालों से, मियां मुलायम छले गए हैं खुद अपने ही लालों से। राजपाट सब चला गया, अब
बने बिचारे फिरते हैं, ये श्राप राम भक्तों का है जो दर दर मारे फिरते हैं, ये श्राप राम भक्तों का है जो दर दर मारे फिरते हैं। और जिन लोगों को वो प्रोत्साहन देते हैं, मैं उनको उत्तर देना चाहती हूँ आपकी तरफ से अपनी पंक्तियां देकर कि पूज्य धरा भारत की अपनी इसको शुद्ध करेंगे हम, पूज्य धरा भारत की अपनी इसको शुद्ध करेंगे हम, हर इस्लामिक आतंकी का पथ अवरुद्ध करेंगे हम। और जान चुके हैं हम सब हिंदू, अब संघर्ष जरूरी है, जान चुके हैं हम सब हिंदू अब संघर्ष जरूरी है, जब तक अंतिम जेहादी है तब तक युद्ध करेंगे हम। हर हर महादेव। और अभी आपने देखा होगा कि महाराज जी के मठ पर एक आईआईटी मुंबई का ग्रेजुएट पहुंच गया हमला करने। हम लोग कुछ भी हो, हम लोगों की मानसिकता कुछ भी हो, लेकिन उनकी मानसिकता बिल्कुल स्पष्ट है, जिहाद, अलतकिया, गजवाई हिंद। हम लोग भाईचारे में फंसे हुए हैं, यहाँ पर भी हो सकता है किसी के दिमाग में भाईचारा हो, तो मैं पहले ही इस बात को कह देती हूँ जब मैं कविता पढ़ती हूँ कि या तो भाईचारे वाले और मानवतावादी अपने कानों में उंगली डाल लें या मेरी कविता पाठ से पहले उठ के चले जाएं। जो यहाँ पर विशुद्ध हिंदू हो, जो सुनने की क्षमता रखता हो, वही यहाँ बैठे और एक बार जोर से बोले जय श्री राम, जय श्री राम। एक व्यक्ति जो 10 साल तक उपराष्ट्रपति रहता है, उसको पद से हटने के बाद तुरंत भारत में खतरा महसूस होने लगता है। इनसे कहा जाए कि आप कॉलेज के नियमों को मानिए, ये कॉलेज के नियमों को मानने को तैयार नहीं होते, ये कहते हैं कि हम हिजाब पहनकर ही परीक्षा देंगे, हम हिजाब पहनकर ही कॉलेज जाएंगे, ये सड़कों पर ही नमाज पढ़ेंगे। इनकी मानसिकता, चाहे आप पंचर छाप ले लीजिए, चाहे कोई आईआईटी ग्रेजुएट ले लीजिए, मानसिकता सभी की समान है, किसी में कोई अंतर नहीं है। तो कोई भी ओहदा दे दो, ये उन्मादी ही निकलेंगे, चाहे आप इनको राष्ट्रपति बना दो या पंचर वाला रखें। तो कोई भी ओहदा दे दो, ये उन्मादी ही निकलेंगे, जिसमें खाएंगे ये उसकी बर्बादी ही निकलेंगे। कोई भी ओहदा दे दो, ये उन्मादी ही निकलेंगे, जिसमें खाएंगे ये उसकी बर्बादी ही निकलेंगे। और दूध पिलाने से सांपों ने कब अपनी फितरत छोड़ी, दूध पिलाने से सांपों ने कब अपनी फितरत छोड़ी, खाल उतारेंगे अपनी तो जेहादी ही निकलेंगे। जय श्री राम। और चार पंक्तियां रखती हूं कि जिनके दिमाग में अभी भी कहीं भाईचारा रह गया हो, उनको समझ में आ जाए कि सुनो काफिरों। आप समझते हैं सभी यहाँ पर, क्योंकि मैं जानती हूँ जागृत हिंदू यहाँ पर बैठा हुआ है, ये जानते हैं हम कि हम काफिर हैं उनकी दृष्टि में, हम अपनी दृष्टि में क्षत्रिय, ब्राह्मण, बनिया, जैन कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन उनकी दृष्टि में मात्र और मात्र काफिर हैं। और काफिर को मारना जन्नत जाना और 72 हूरों को प्राप्त करना है। तो सुनो काफिरों, मौत तुम्हारी उनके लिए विजय परचम है। सुनो काफिरों, मौत तुम्हारी उनके लिए विजय परचम है, और तुम्हारी मानवता से ही तो इन दुष्टों में दम है। सुनो काफिरों, मौत तुम्हारी उनके लिए विजय परचम है, और तुम्हारी मानवता से ही तो इन दुष्टों में दम है। और कितनी बार बताया तुमको, पर तुम समझ नहीं पाए, ये सब तब तक ही अच्छे हैं जब तक इनकी संख्या कम है। समय तो मेरे पास है, अभी पढ़िए पढ़ती हूँ, नहीं वैसे भी नहीं जाऊंगी मोहन भैया, आज तो मैं पढ़ के ही जाऊंगी। नहीं, आप ही पढ़िए, आज तो आप ही पढ़िए, बस आपको सुनने में अच्छा लग रहा है। चलिए पढ़ती हूँ, एक गीत पढ़ती हूँ, प्रायः बहुत कम पढ़ा है मंचों से, कहीं स्वयं पर गर्व की अनुभूति होती है तब ऐसे गीतों का सृजन होता है, कहीं सनातन धर्म की गौरवशाली परंपराओं को हम समझते हैं तब ऐसे गीतों की रचना होती है। आइए पढ़ती हूँ, आप सभी का मन मिले कि शत्रुओं का काल बन निज। भाई साहब आ चुके हैं, मैं प्रणाम करती हूँ,
आइए। स्वागत है सर, आइए स्थान ग्रहण कीजिए। भाई साहब सही समय से आए हैं, हम लोगों ने जल्दी शुरू कर दिया। शत्रुओं का काल बन निज धर्म का सम्मान कर लो, शत्रुओं का काल बन निज धर्म का सम्मान कर लो, शत्रुओं का काल बन निज धर्म का सम्मान कर लो, अब समय आया समर का शस्त्र का संधान कर लो, अब समय आया समर का शस्त्र का संधान कर लो। अब मैं आपको बताती जाऊंगी आपको गर्व कहां कहां होना चाहिए कि तुम सनातन से शिखर हो, तुम सनातन से शिखर हो, सूर्य जैसे तुम प्रखर हो, तुम सनातन से शिखर हो, सूर्य जैसे तुम प्रखर हो, मात्र यह तन नष्ट होगा, तुम अजर हो, तुम अमर हो। उनके साथ समस्या यह है कि उनका जो भी होना इसी जीवन में होना है, पुनर्जन्म उनके यहाँ है ही नहीं, तो इसलिए चाहे बम फोड़ के मर जाए, चाहे गला काट के मर जाए, हम लोगों के पास विकल्प है। मैं ये सोचती हूँ जब कोई मुझे धमकी देता है कि आपको गोली मार दी जाएगी, मैं सोचती हूँ कि कोई बात नहीं है, इतना जीवन मैंने जी लिया है, लेकिन अगली बार जब मैं फिर आऊंगी तो फिर तुम्हारी लंका इसी तरह लगाऊंगी। तुम सनातन से शिखर हो, सूर्य जैसे तुम प्रखर हो, मात्र यह तन नष्ट होगा, तुम अजर हो, तुम अमर हो, शून्यता का ज्ञान हो तुम, पूर्णता का भान हो तुम, विश्व की सबसे पुरातन सभ्यता का मान हो तुम, विश्व की सबसे पुरातन सभ्यता का मान हो तुम, सत्य की शाश्वत ध्वजा तुम, सत्य की शाश्वत ध्वजा तुम, स्वयं की पहचान कर लो, अब समय आया समर का शस्त्र का संधान कर लो, जब दिया तुमने दशमलव विश्व को तब माप आए, जब दिया तुमने दशमलव विश्व को तब माप आए, इस धरा से उस गगन की दूरियां तुम नाप आए, विश्व को तुमने सिखाया क्या उचित परिमाण होते, विश्व को तुमने सिखाया क्या उचित परिमाण होते, और तुमने ही दिखाया वृक्ष में भी प्राण होते, शल्य के तुम ही सृजक हो, स्वयं को उपमान कर लो, अब समय आया समर का शस्त्र का संधान कर लो, और पी लिया तुमने जलध को। हमारे यहाँ ऐसी ऐसी विभूतियां हुई है कि जो पूरा समुद्र ही पी गई हैं। सूर्य को मुख में रख लिया है तो पी लिया तुमने जलध को, और रवि मुख में धरा है, पी लिया तुमने जलध को और रवि मुख में धरा है, जब पड़ी विपदा किसी पर धर्म को तुमने वरा है, सारथी तुम कृष्ण जैसे राम के हनुमान हो तुम, सारथी तुम कृष्ण जैसे राम के हनुमान हो तुम, तुम प्रवर हो इस धरा पर कीर्ति के प्रतिमान हो तुम, तुम प्रवर हो इस धरा पर कीर्ति के प्रतिमान हो तुम, पार्थ के गांडीव हो तुम। आदरणीय भाई साहब फिर आए हैं, ये भी समय से निकले थे, बस जाम में फंस गए थे। एक बार बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। पार्थ के गांडीव हो तुम, स्वयं पर अभिमान कर लो, अब समय आया समर का शस्त्र का संधान कर लो। अंतिम बंद पढ़ते हैं इस गीत का के, आर्य यदि जागे नहीं तो इस धरा का नाश होगा। ये मेरा श्राप नहीं है, सिर्फ चेतावनी है कि आर्य यदि जागे नहीं तो इस धरा का नाश होगा, पूज्य रावण हो रहे हैं राम को वनवास होगा, यदि अभी जागे नहीं तो आज साना कल रहेगा। ये बात मैं इसलिए कहती हूँ कि मेरे पास प्रदेश में और केंद्र में जो सत्ता है वो इस समय हम लोगों के लिए बहुत अनुकूल है, तो आर्य यदि जागे नहीं तो
इस धरा का नाश होगा। पूज्य रावण हो रहे हैं, राम को वनवास होगा। यदि अभी जागे नहीं तो आज साना कल रहेगा। दुष्ट यदि भागे नहीं तो गंग में भी छल बहेगा। हे महामानव उठो अब, हे महामानव उठो अब, मृत्यु को वरदान कर लो। अब समय आया समर का, शस्त्र का संधान कर लो। और अंतिम वचन आपने देते हुए अपना स्थान लेती हूँ। स्वागत। जैसा कि मैंने अभी कहा कि उनमें कोई भी हो, भले ही वो शायर हो, कलाकार हो, अभिनेता हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, जो भी हो, सबकी मानसिकता एक जैसी होती है। अभी आप लोगों ने एक फिल्म देखी होगी, कश्मीर फाइल्स। उसमें एक गीत आपने सुना भी होगा, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, सुना है। एक शायर हुआ फैज अहमद फैज, उसने कहा कि सब तख्त उठाए जाएंगे, बस नाम रहेगा अल्लाह का। यानी कि उनका एजेंडा अपना पूरा कर रहे थे। हम लोग हो सकता है भटक जाएं, लेकिन वो नहीं भटकते हैं। तो वो कहता है कि हम देखेंगे, और मैं कहती हूँ तुम देखोगे, और हम देख चुके हैं। 1400 वर्षों में हमने क्या क्या देखा है वो आपके सामने रखती हूँ। आपको तालियां बजाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसमें आपके रक्त शिराओं में अगर उबलने लगे तो जय श्री राम के उद्घोष के साथ सुनिएगा। ये कविता ऐसे ही सुनी जाती है, सुनिएगा। मैं शुरू करती हूँ कि तुम देखोगे, हम देख चुके हैं। हम देख चुके हैं बर्बादी, हम देख चुके हैं बगदादी, हम देख चुके शाहीन बाग और टुकड़ों वाली आजादी। तुम देखोगे, हम देख चुके हैं। हम देख चुके हैं बामियान, हम देख चुके हैं बामियान, हम देख चुके मजहब गंदा। हम देख चुके हैं बामियान, हम देख चुके मजहब गंदा। देखा है जौहर पद्मा का, देखा है जलता नालंदा। तुम देखोगे। एक कल्पना करिए, एक मन में विचार कहीं लाइए कि आपके शरीर पर एक चिंगारी गिरती है, आप तड़प उठते हैं। जब हजारों छत्राणियां अग्निकुंड में कूदी होंगी, उनकी क्या स्थिति रही होगी, और उनमें से जाने कितनी गर्भवती रही होंगी, अपने पेट में बच्चे को लेकर जब आग में कूदी होंगी, तो क्या मन स्थिति उनकी रही होगी उस समय। और लोग फिर कहते हैं कि माँ पद्मावती को जौहर नहीं करना चाहिए था, बल्कि लड़ना चाहिए था। लड़ी किस लिए नहीं, क्योंकि शवों के साथ बलात्कार करने की मानसिक विकृति केवल इस कौम में पाई जाती है, उसके अलावा किसी में नहीं होती है। तो अपने शरीर को सुरक्षित रखने के लिए वो अग्निकुंड में कूदी थी, ऐसे ही नहीं कूद। तो हम देख चुके हैं बर्बादी, हम देख चुके हैं बगदादी, हम देख चुके शाहीन बाग और टुकड़ों वाली आजादी। तुम देखोगे, हम देख चुके हैं। हम देख चुके हैं बामियान, हम देख चुके हैं बामियान, हम देख चुके मजहब गंदा। देखा है जौहर पद्मा का, देखा है जलता नालंदा। तुम देखोगे, हम देख चुके हैं। हम देख चुके हैं खिलजी को, हम देख चुके हैं खिलजी को, हम देख चुके हैं अब्दाली, हम देख चुके हैं खिलजी को, हम देख चुके हैं अब्दाली, हम देख चुके तैमूर नंग और देख चुके नोवा खाली। नोवा खाली वो स्थान था जहां दंगों में सनातनी स्त्रियों के स्तन काट दिए गए थे इन काफिरों, इनके जाहिलों के द्वारा। फिर कोई हमसे कहता है कि भारत में हम असुरक्षित महसूस करते हैं, तब बड़ी पीड़ा होती है। तब मैं ये कहती हूँ कि बहुसंख्यक कितना असुरक्षित महसूस करता है। जब आपकी गली मोहल्लों से हम अकेले निकलते हैं, तब हम वो जानते हैं असुरक्षा क्या होती है। आप लोगों ने महसूस किया होगा, जहां पर ऊंचे पजामे आपको 100 की संख्या में दिखाई दे जाए, आप निकल के देखिएगा। केवल हमारे करौली में नववर्ष पर एक जुलूस निकल रहा था, इसमें जय श्री राम के नारे और अपना उत्सव मना रहे थे। उनके ऊपर सुनियोजित ढंग से ऊपर से पत्थर फेंके गए, उनको घेर लिया गया, उनको मार दिया गया। इस तरीके की घटना ये करते हैं, उसके बाद कहते हैं हमें डर लगता है, भारत में हम असुरक्षित हैं। मेरे कासगंज में चंदन गुप्ता नाम का एक बच्चा तिरंगा रैली में शामिल था, और जब वो निकला तो उसको उस मोहल्ले में जाने के बाद गोली मार दी गई। और उसके बाद कोई कहता है कि बहुसंख्यक यहां पर असहिष्णु हो गए हैं। तुम देखोगे, हम देख चुके हैं। हम देख चुके हैं खिलजी को, हम देख चुके हैं अब्दाली, हम देख चुके तैमूर लंग और देख चुके नोवा खाली। तुम देखोगे, हम देख चुके हैं। हम देख चुके औरंगजेब, हम देख चुके औरंगजेब, हमने देखा है अकबर भी। हम देख चुके औरंगजेब, हमने देखा है अकबर भी, और 17 बार जो भाग गया देखा गौरी का लश्कर भी। तुम देखोगे, हम देख चुके हैं। देखा तदबीरी नारों को, देखा तदबीरी नारों को, देखा तदबीरी नारों को, देखा है अत्याचारों को, देखा तदबीरी नारों को, देखा है अत्याचारों को। हम भुगत चुके
ये भाईचारा हम देख चुके हथियारों को, तुम देखोगे हम देख चुके हैं। देखे कश्मीरी पंडित इसलिए क्योंकि उनको कश्मीरी पंडित कहा गया, और सिर्फ इसलिए कहा गया कि सब जानते हैं सनातनी जातियों में बटे हुए, अन्यथा की स्थिति में कश्मीरी पंडित नहीं कश्मीरी हिंदू थे। देखे कश्मीरी पंडित भी देखे हैं हिंदू दंडित भी। हम देश के टुकड़े देख चुके, देखे हैं मंदिर खंडित भी, तुम देखोगे हम देख चुके हैं। देखी भीड़ उन्मादी भी दुनिया भर की बर्बादी भी। हम जला गोधरा देख चुके, हम देख चुके जेहादी भी, तुम देखोगे हम देख चुके हैं वहशत को। दुनिया है जिसको भुगत रही, हम भुगत चुके हैं शरीयत को। जिसमें हिंदुओं पर धार्मिक यात्राओं पर जजिया लगा दिया जाता था, हमने वो समय भी देखा है। हम देख चुके हैं वहशत को। और दुनिया है जिसको भुगत रही, हम भुगत चुके हैं शरीयत को। और अब जितना ज्यादा सोएंगे हम उतना ज्यादा रोएंगे। सभी को, आपको बता रही हूं, सभी हिंदुओं को, कि अब जितना ज्यादा सोएंगे हम उतना ज्यादा रोएंगे। हम देश तो अपना बांट चुके, सोचो आगे क्या खोएंगे। और अंतिम पंक्तियां पढ़ती हूं इस गीत की, कि जो हमने सरकार चुनी है, पिछली सरकारों में यह भी होता था कि अगर अजान का समय हो गया है तो मंदिरों के घंटों को प्रतिबंधित कर दिया गया था, पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी बाकायदा कि वो मंदिरों की जो घंटों की ध्वनि है वो उनके कानों तक न पहुंच जाए। लेकिन अब क्या होगा जो हमने चुना है? मैं 6 महीने पहले ही कह गई थी कि ना गुंडे ना खून खराबा, यूपी में बुलडोजर बाबा। तो अब आप ताली बजा सकते हैं इस बात पे। बुलडोजर बाबा नाम बहुत प्रचलित हुआ, लेकिन आपको जानकर बड़ा हर्ष होगा कि ये सबसे पहले मैंने ही कहा था, उसके बाद बहुत आगे बढ़ा के। अब क्या होने वाला है कि मंदिर में घंटे गूंजेंगे। अब शंखनाद घर घर होगा। मंदिर में घंटे गूंजेंगे, अब शंखनाद घर घर होगा। ईंटों के बदले अपना भी आप पत्थर से उत्तर होगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मंदिर में घंटे गूंजेंगे, अब शंखनाद घर घर होगा। ईंटों के बदले अपना भी अब पत्थर से उत्तर होगा। और जब हम मानवता छोड़ेंगे, मानवता छोड़नी कैसे है कि 2 रुपए का भी सामान अगर आप विधर्मियों से ले रहे हैं तो आप मानवतावादी हैं। आर्थिक बहिष्कार आपको करना होगा। मेरी गली में ये मैंने करवा दिया, मेरे डर से कोई घुसने नहीं देता है। तो मंदिर में घंटे गूंजेंगे और शंखनाद घर घर होगा। ईंटों के बदले अपना भी अब पत्थर से उत्तर होगा। जब हम मानवता छोड़ेंगे सबको आपस में जोड़ेंगे, और कोई एक गाल पर मारेगा तो दोनों बाजू तोड़ेंगे। जब अपना स्वार्थ विसारेगा, जब अपना धर्म पुकारेगा, और हारेगा हर एक जेहादी जब चढ़कर हिंदू मारेगा। अब ज्यादा नहीं विचारेंगे, मिलकर श्री राम पुकारेंगे, और छुपे हुए सब गद्दारों को पटक पटक कर मारेंगे। ये मोहल्ला पाकिस्तान से आया है, आनंद नहीं आया है।
अपने पर गर्व नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, गर्व हो रहा है तो एक बार बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। और अब ज्यादा नहीं विचारेंगे, मिलकर श्री राम पुकारेंगे और छुपे हुए सब गद्दारों को पटक पटक कर मारेंगे। और जब अपनी पर आ जाएंगे, जब अपनी पर आ जाएंगे तब दुनिया पर छा जाएंगे, जब अपनी पर आ जाएंगे तब दुनिया पर छा जाएंगे। फिर गली मोहल्ला की छोड़ो, हर घर भगवा लहराएंगे, हर घर भगवा लहराएंगे। बस दो मिनट का समय और, कि मानते थे राम ना जो राम को जचे नहीं, मानते थे राम ना जो राम को जचे नहीं, और राम द्रोहियों के राज भी बचे नहीं। कल जिन्हें घमंड था, कल जिन्हें घमंड था वो खंड खंड हो गए, और काल चक्र यूं चला के जन्म दंड हो गए। और कुछ लोगों का अभी भी कहीं मन में मंसूबे पाले बैठे हैं कि हम भारत के फिर से टुकड़े करा लेंगे, उनको मैं उत्तर देती हूँ। और जब अलीगढ़ नुमाइश में मैं कविता पढ़ रही थी, तब एक जिहादी बीच में उठकर बोला कि इस तरीके की कविता नहीं चलेगी, तो मैंने उसको उत्तर दिया था। आप सबकी ओर से अगर उसको उत्तर चला गया हो तो एक बार उद्घोष करिएगा जय वीर बजरंगी का, पढ़ती हूँ कि अपना मान नहीं देंगे, अपना मान नहीं देंगे, अपना मान नहीं देंगे, अपनी पहचान नहीं देंगे, अपना मान नहीं देंगे, अपनी पहचान नहीं देंगे, अपने भारत की अंगुल भर भूमि दान नहीं देंगे। और भारत माँ के टुकड़े कर दे, अब वो पापी रहे नहीं, हिंदू फिर से गद्दारों को पाकिस्तान नहीं देंगे। अंतिम पंक्तियां पढ़ते हुए अपना स्थान लेती हूं, कि जब मैं इस तरीके की कविता पढ़ती हूं अपने आप पर बहुत गर्व होता है। तब कहती हूं कि इस धरा के धैर्य की अवमानना, मेरी मातृभूमि ने जितना कुछ सहन किया है मैं उसका विरोध करती हूं। कि इस धरा के धैर्य की अवमानना हूं, इस धरा के धैर्य की अवमानना हूं, कायरों की मृत्यु की प्रस्तावना हूँ, इस धरा के धैर्य की अवमानना हूँ, कायरों की मृत्यु की प्रस्तावना हूँ, और गर्विता हूँ, गर्विता हूँ, गर्विता हूँ, रक्त है मेरा सनातन, मैं प्रखर हिंदुत्व की संभावना हूँ, मैं प्रखर हिंदुत्व की संभावना। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय, भारत माता की वंदे, वंदे, जय श्री राम। बहुत ही शानदार और ओजस्वी कविता पाठ किया बहन समीक्षा यादव जी ने, रगों में नए रक्त का संचार कर दिया। राष्ट्र जागरण का कार्यक्रम है ये, और कोई भी राष्ट्र तब तक जागृत नहीं माना जाता नहीं बैठेंगे तो फिर कैसे काम जब तक उसके नवयुवक जागृत ना हो, क्योंकि देश के कर्णधार नवयुवक ही हैं और देश को अगले जाने का कार्य वही करते हैं। आप जानते हैं कि हर साल प्रेम में असफल हो जाने के कारण न जाने कितने नवयुवक अपनी ही लीला समाप्त कर लेते हैं या आत्महत्या कर लेते हैं। इससे न केवल उनके परिवार को बल्कि पूरे समाज को अपूर्णीय क्षति होती है। ऐसे ही प्रेम में टूटे थके हारे नवयुवकों के लिए मोहन मुंतजिर एक संजीवनी है, एक काव्य संजीवनी का नाम है। मोहन भाई जो कर रहे हैं वो भी एक तरह की राष्ट्र सेवा ही है। इनका काव्य प्रेम में टूटे हुए नवयुवकों। कार्यक्रम बहुत ही विलंब से शुरू किया गया, जितना आपको समीक्षा जी ने आपको सुनाया उतना कोई नहीं सुनाने वाला है, सब 5-10 मिनट आपको सुनाएंगे। बस आप अगर सुन लेंगे तो ठीक है, वरना हमारा क्या, हम तो अपना लिफाफा देके चल देंगे साहब, है ना। हम तो आज यहाँ, कल किसी और शहर में। बस निवेदन ये करता हूँ कि इनका मुनीश शख्स जी का मेरे पास फोन आया कल, बोले मैं विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तरफ से बोल रहा हूँ मुनीश शख्स। मैंने कहा जी प्रणाम करता हूँ, ठीक है। तो बोले कि आप मेरठ में कभी सम्मेलन में हैं, मैंने सुना है कल। बोले हाँ जी बिल्कुल, मेरठ में कभी सम्मेलन में हूँ। तो मुनीश भाई बोले कि अच्छा मोहन भाई, ये इधर क्या कहते हैं, हमारे मवाना में कभी सम्मेलन है, आप आ रहे हैं कि आपको उठवाऊं। तो मैंने कहा साहब मैं आ जाऊंगा, उठवाने की क्या आवश्यकता है। तो बोले ठीक है, फिर बताइए कि क्या पेमेंट होगा आपका।
पेमेंट बताइए। अरे मैंने कहा साहब कैसी बात करें, भजन दल का कार्यक्रम है, विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम, तो पेमेंट की क्या आवश्यकता है। बोले नहीं नहीं मोहन भाई ऐसी बात नहीं, आपको पेमेंट बताना पड़ेगा। तो मैंने पूछ लिया कौन कौन आए हैं, तो उन्होंने बताया कि मोनिका देलवी जी आई हैं, ये आए हैं और समीक्षा सिंह जादौन जी आई हैं। अच्छा जैसे ही उन्होंने समीक्षा जी का नाम लिया तो फिर मैंने भी दांव मारा, मैंने कहा साहब वो तो बड़ी कवित्री है। तो मैंने कहा एक काम कीजिएगा मुनीश भाई, मुझे आप समीक्षा जी से 500 रुपए कम दे दीजिएगा। तो मुनीश भाई बोले मोहन भाई फिर तो आ जाओ, उनका 500 ही है। तो साहब मैं प्रणाम करता हूँ बजरंग दल को और विश्व हिंदू परिषद को, है ना जी, है ना। तो अभी समझ लीजिए कि बिना पेमेंट का कभी माइक पर खड़ा हुआ है, आज आपकी तालियां मेरे से पेमेंट का काम करेंगी, है ना। तो थोड़ा सा मन लगा के सुन लीजिए। असल में क्या होता है कि आप जिन्हें पिछले वर्ष सुन चुके होते हैं समीक्षा जी, तो वो देश की बहुत बड़ी कवित्री हैं, आप उन्हें सुन भी चुके हैं, तो ये तो बात है कि फिर आप उन्हें सुनेंगे, है ना। लेकिन जिन्हें आपने नहीं सुना होता तो आप उनका आकलन कर लेते हैं, अरे यार ये ऐसे ही होगा, है ना। तो पहले इस्तेमाल कीजिए, फिर उसके बाद भरोसा कीजिए, मैं फिर विश्वास कीजिए। चार पंक्तियां निवेदन करता हूं। अमूमन जो कवि सम्मेलनों में कवि जिन पंक्तियों से कवि सम्मेलन का समापन करते हैं, अपने काव्यपाठ का समापन करते हैं, उन पंक्तियों से मेरा मन है कि मैं कवि सम्मेलन में अपने काव्यपाठ का आरंभ करूं, है ना। एक बार आप सब लोग मुझे बता दीजिएगा कि आज्ञा होते ही पर बताइए, है ना। आपको वो सुनाता हूं जो आपने अमूमन मंचों पर नहीं सुना होगा, है ना भाई साहब। अच्छा फोन पर बात, कोई बात नहीं, करने दीजिए करने दीजिए, आवश्यक फोन नहीं कीजिए कीजिए कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं जब काय पाठ करूँ तो आप कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। चार पंक्ति निवेदन करता हूँ। भजन दल वाले यहाँ जितने एक बार हाथ खड़ा कीजिए तो मुझे, अरे वाह चलिए ठीक है। तो चार पंक्तियाँ, असल में मेरी जो कविताएं हैं ना वो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के आसपास ही घूमती है। चार पंक्ति निवेदन करता हूँ। लोग कहते हैं कि 14 फरवरी के दिन बजरंग दल वाले सड़कों पर उतर आते हैं और हंगामा करते हैं। उन्हें क्या आवश्यकता है साहब 14 फरवरी के दिन सड़कों पर भूखे पेट उतरने की, वो युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं। चार पंक्ति बजरंग दल वालों आपके सम्मान में आपकी तरफ से पढ़ता हूँ, अपने सम्मान में तालियां उठाना। चार पंक्ति निवेदन करता हूँ सुनिएगा। सूर्य बनो कुछ रातों का जुगनू बनने से क्या होगा, क्या बात है। 14 फरवरी के दिन क्या कहते हैं हम लोग सुनिएगा। सूर्य बनो कुछ रातों का जुगनू बनने से क्या होगा, भवरे बनिए फूलों की खुशबू बनने से क्या होगा, भवरे बनिए फूलों की खुशबू बनने से क्या होगा। प्यार करो धरती से और आजाद भगत सुखदेव बनो, अरे लैलाओं के चक्कर में मजनू बनने से क्या होगा, लैलाओं के चक्कर में वाह वाह बनने से क्या होगा। एक बात युवाओं मैं आपसे निवेदन कर दूं कि हम देश के बारे में तभी सोचेंगे जब केश के बारे में सोचना बंद कर देंगे। तो पहले मेरा मानना है कि मैं आपको केश से बाहर निकालूं फिर आपको देश की तरफ लेके चलूंगा। चार पंक्ति निवेदन करता हूं। विश्व हिंदू परिषद का क्या उद्देश्य है, ये उन लड़कों के लिए सुना देता हूं साहब कि जो एक झूठे प्रेम की खातिर पूरे परिवार को ताक पे रख देते हैं। चार पंक्ति निवेदन करता हूं परिवार क्या होता है सुनिएगा। बाबूजी से अच्छा कोई यार नहीं हो सकता है, क्या बात है। बाबूजी से अच्छा कोई यार नहीं हो सकता है, भाई बहन से बेहतर रिश्तेदार नहीं हो सकता है, भाई बहन से बेहतर रिश्तेदार नहीं हो सकता है। माँ से बढ़कर इस दुनिया में केवल माँ ही होती है, क्या बात। अरे माँ से बढ़कर और किसी का प्यार नहीं हो सकता है, भारत माता की, और किसी का प्यार नहीं हो सकता है। चार पंक्तियां श्री अजय सिंह बिष्ट उर्फ आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से मैं मोहन सिंह बिष्ट उर्फ मोहन मुंतजर आपको सौंपता हूँ। चार पंक्ति निवेदन करता हूँ। आदरणीय योगी जी का गांव और मेरा गांव आसपास में है। जब योगी जी जवान हुए तो वो देशभक्ति में उलझ गए और आज मुख्यमंत्री हैं। मैं जब जवान हुआ तो किसी की जुल्फों के पेचो खम में उलझ गया, तो आज कवि हूँ।
अगर इन चक्करों में नहीं पड़ा होता ना साहब, तो क्या होता, चार पंक्तियां निवेदन करता हूं, सुनिएगा। राजा होते पढ़ते लिखते कुछ पढ़ लिख कर बन जाते। क्या बात। राजा होते पढ़ते लिखते कुछ पढ़ लिख कर बन जाते, यार मोहब्बत ना करते हम आज कलेक्टर बन जाते, यार मोहब्बत ना करते हम आज कलेक्टर बन जाते, तेरे आगे घुटनों पर बैठे रहने से अच्छा था, अरे भक्ति सियापति राम की करते चीफ मिनिस्टर बन जाते। भक्ति सियापति क्या बात। आभार आभार। अरे बहुत बड़ा आभार। बहुत खूब मोहन भाई, बहुत खूब, बहुत खूब। अरे आभार आभार। जय श्री राम। बहुत बहुत आभार आप सभी का। असल में क्या होता है कि आपको कुछ ऐसी बातें बतानी होती है जो आपने नहीं सुनी होती है ना, तो जो मैं आपको पंक्तियां सुना रहा हूं उन्हें आप, मेरा निवेदन ये है कि आप जीवन में जरूर उतारिएगा। एक कविता तक मेरा पहुंचने का मन है, लेकिन उससे पहले मैं एक आपको निवेदन करना चाहता हूं, चार पांच पंक्तियां। आपने चुनाव परिणाम देख लिए 2022 के, आप सभी को बधाई हो, है ना। दो पंक्तियां निवेदन करता हूं मैं कि ये कैसे हुआ, ये बजरंग दल वालों की वजह से, विश्व हिंदू परिषद वालों की तरफ से। ये दो पंक्तियां पढ़ता हूं, पांच छह पंक्तियां पढ़ूंगा, उसके बाद आपको एक अच्छा सा गीत सुनाऊंगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। गीत सुनना चाहते हैं आप लोग, एक बार मुझे आज्ञा बताइए, सुनना चाहते हैं गीत। अरे वाह, चल बहुत लेट हो गया, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन हमारी मजबूरी क्या है कि हमें भी अपना पेमेंट जो खाली लिफाफा है वो भी थोड़ा सा देखना है ना, कि नहीं नहीं सही बात है साहब, लिफाफा दे रहे हैं वो भले खाली हो, लेकिन कम से कम इतना है कि वो भी हम कम से संतुष्ट हो जाएं, ये ना। चलिए एक आपको सुनाता हूँ, एक शब्द आएगा शूल। शूल समझते हैं आप सब लोग, शूल कहते हैं कांटे को, है ना। अब सुनिएगा किसको किसका मजा आता है। क्या हुआ है? अच्छा किसी का फोन आया। अच्छा सुनिएगा, दो पंक्ति निवेदन करता हूँ, 2022 के चुनाव परिणाम देखिएगा, सुनिए। आपको 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 शूल बिछाने में मजा आता है, क्या बात है, मजा आता है। अगली पंक्ति लगेगी ठग से, जो आपकी मेहनत है वो। आपको शूल बिछाने में मजा आता है, आपको शूल बिछाने में मजा आता है, और हमें फूल खिलाने में मजा आता है, मजा आता है, और हमें फूल खिलाने में मजा। बहुत खूब मोहन भाई। अब आप देखिए हर एक का मजा है अपना, है ना, किसी को कुछ मजा आता है, किसी को कुछ मजा आता है ना। बहुत बहुत आभार, आदरणीय बुजुर्ग हैं, इनका इनका मुझे आशीर्वाद मिल गया, और क्या चाहिए भगवान में। अब तो आप खाली लिफाफा भी मत दीजिएगा, हैं? हाँ वो मैं बोल देखा ना, आपने आपके मजा आया ना, तभी तो कह रहा हूँ, सुनेगा। आपको शूल बिछाने में मजा आता है, आपको शूल बिछाने में मजा आता है, और हमें फूल खिलाने में मजा आता है, मजा आता है। एक प्राणी है हैदराबाद का, असदुद्दीन ओवैसी, है ना साहब। आप लोग, मैं सही बताऊं आपको, आप लोग व्यस्त परेशान होते हैं उसके लिए, उसे सिर्फ हैदराबाद से मतलब है। वो देखिए बिहार आया तभी मजे लेने के लिए आया, यूपी आया तभी मजे लेने के लिए आया, उसकी तरफ से आपको दो पंक्तियां सुनाता हूं, वो जब भी चुनाव लड़े तो परेशान मत हुआ करो। अब सुनिएगा, और हमें फूल खिलाने में मजा आता है, मजा आता है, जानते हम भी है ना जीत सकेंगे यूपी। एक बात कितनी आसान बात कही उसने, कितनी आसान बात कही, ये इस वक्त माइक पे सुनने वैसे ही समझ लीजिए, है ना। जानते हम भी थे ना जीत सकेंगे यूपी, जानते हम भी थे ना जीत सकेंगे यूपी, वो तो बस टांग अड़ाने में मजा आता है, मजा आता है, वो तो बस टांग अड़ाने में मजा आता है, मजा आता। बहुत बहुत आभार। एक
दो पंक्ति और सुन लीजिए क्योंकि आप बहुत अच्छा साहित्य सुन रहे हैं। आगे की पंक्ति में आदरणीय बैठे हुए हैं, ये आगे की पंक्ति आप सब लोग बैठे हुए हैं, पीछे वाले तो बहुत अच्छा सुन रहे हैं, लेकिन अमूमन कवि सम्मेलनों में आगे की पंक्ति में जो लोग बैठे होते हैं ना कम सुनते हैं, है ना, वो लेकिन यहाँ मैं देखा जो आगे की पंक्ति में बैठे हैं वो बहुत अच्छा सुन रहे हैं, उनका ध्यान पूरा कविता में है, है ना। आदरणीय ये शेर आपको समर्पित है, सुने ये दो पंक्तियां आपको समर्पित है, बहुत अच्छा सुन रहे। दूर हो जाती है हाथों की थकन पल भर में, थकन पल भर में, दिन भर के थके हो ना आप तो ये दो पंक्तियां याद कर लीजिएगा, सुनेगा। दूर हो जाती है हाथों की थकन पल भर में, दूर हो जाती है हाथों की थकन पल भर में, माँ के पैरों को दबाने में मजा आता है, मजा आता है, माँ के पैरों को दबाने में मजा बहुत बहुत आभार। यही तो भाई, यही तो मैसेज है विश्व हिंदू परिषद का, यही तो मैसेज है बजरंग दल बाबा का साहब, माँ से बढ़कर कुछ नहीं होता। दो एक शेर आपको और सुनाता हूँ, लेकिन ये शेर ना आप अपने पहलू में गांठ बात कर ले जाएगा, दो पंक्तियां और आपके जीवन में काम आएंगी। और ये जो मैं शेर आपको बता रहा हूँ, दो पंक्तियां सुना रहा हूं, ये दो पंक्ति आ रही है। अभी जो लॉकडाउन लगा था ना, लॉकडाउन लगा था, आप लोगों की बहुत मदद की गई होगी, है ना, उस वक्त ये शेर आपके भी दिमाग में आया होगा, आप पे गुजरी होगी, ये शेर सुनिएगा, सुनिए। कुछ तो एहसान किया करते हैं बस इस कारण, बस इस कारण, कुछ तो एहसान किया करते हैं बस इस कारण, कुछ तो एहसान किया करते हैं बस इस कारण, उनको एहसान जताने में मजा आता है, मजा आता है, उनको एहसान जताने में मजा आता है, मजा आता है। बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का। एक जो मेरा गीत है ये आज का अंतिम गीत आपको सुना के चला जाता हूँ, कभी और मौका होगा, कभी कुछ और होगा तो बहुत सुनाऊंगा। अमूमन कभी सम्मेलन में डेढ़ घंटे का काय पाठ होता है मेरा, लेकिन आज मेरा मन है कि आप सब एक वो श्रोता हो जो सुनने हैं, जो जिनको साहित्य पसंद है, तो जो मैंने जीवन में श्रेष्ठ लिखा है मेरा मन है मैं आपको वही सुनाऊँ, है ना। चार पंक्ति मैं आपको निवेदन कर देता हूँ उस गीत से पहले, चार पंक्ति मेरा मन ये है निवेदन मैं आपको कर दूँ उस क्या कहते हैं गीत से पहले। मैं अभी आ रहा था वाना आदरणीय, तो मैंने देखा कि एक घर की छत में तिरंगा लहरा रहा था, है ना, तो लेकिन साहब वो कुछ कह रहा था, उसने मुझसे कुछ कहा तो मैंने उसे कागज में उतार दिया। मैं निवेदन करता हूँ, सुनिए वो क्या कह रहा था, है ना। हम हिंदुस्तानी को पता असल में परेशानी क्या है, क्या परेशानी है भाई साहब, बेटा मित्र ये बगल वाले आपके लिए सुनिएगा, है ना, चलो सुनो। क्या हम लोग की परेशानी है हम हिंदुस्तानियों की, हम चाहते तो हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद पैदा हों, हम चाहते तो हैं कि सुभाष चंद्र बोस पैदा हों, हम चाहते तो हैं कि वीर भगत सिंह पैदा हों, मगर पड़ोसी के घर में पैदा हों, है ना, हमारे साथ दिक्कत ये है। अभी चार पंक्तियां सुनिए, सुनिए आपको अच्छा लगेगा। दीप घर में जलाने से क्या फायदा, ये बात ये जवाब ये कथन तिरंगे का है, मैं आपको सौंप रहा हूँ, सुनेगा। दीप घर में जलाने से क्या फायदा, वंश अपना बढ़ाने से क्या फायदा, दीप घर में जलाने से क्या फायदा, वंश अपना बढ़ाने से क्या फायदा, घर से नाम बेटे भी भेजा करो, घर से नाम बेटे भी भेजा करो, ध्वज छतों पर लगाने से क्या फायदा, ध्वज छतों पर लगाने से क्या फायदा, मन करे जो करो मन न मारो कभी, मन करे जो करो मन न मारो कभी, उम्र कोई हो जीवन न मारो कभी, उम्र कोई हो जीवन न मारो कभी, ये बुढ़ापा तुम्हें ना सता पाएगा, ये बुढ़ापा तुम्हें ना सता पाएगा,
अपने अंदर का बचपन न मारो कभी, अपने अंदर का बचपन न मारो कभी। गीत सुनाकर अपने स्थान इससे देना चाहता हूँ साहब कि आप मेरे सामने पूरा हिंदुस्तान बैठा हुआ है। ये गीत बहुत कम कभी सम्मेलन में सुनाता हूँ। समीक्षा जी जानी सभा को जानती है, मोनिका जी जानती है, मुनीष जी जानते हैं, जहाँ अच्छे श्रोता होते हैं वहां मैं सुनाता हूँ, ठीक है। ये एक ठेठ हिंदुस्तानी गीत है, ठेठ हिंदुस्तानी गीत है ठेठ हिंदुस्तानियों के लिए। देखिए मैं आपको एक बात निवेदन करता चलूं, यकीन मानेगा मैं ना भाजपा का आदमी हूं, मैं ना कांग्रेस का आदमी हूं, मैं ना सपा का आदमी हूं, मैं ना बसपा का आदमी हूं, मेरी तो शादी भी नहीं हुई है, मैं तो किसी औरत का भी आदमी नहीं हूं, है ना। लेकिन एक निष्पक्ष गीत सुनाना चाहता हूं साहब, एक देशभक्त होकर इन देशभक्तों को गीत सुनाना चाहता हूं। शायद आपने इस एंगल से आपने कभी सुना नहीं होगा मित्र, है ना। इस गीत को हो सके तो समीक्षा जी, ये गीत आपके लिए नया है, इस गीत को हो सके तो अपने साथ लेके जाइएगा, जीवन में उतारिएगा। अधिकतर लोगों के जीवन में एक बार विदेश में बसने का अवसर आता है, उन अधिकतर में से अधिकतर लोग उस अवसर को भुना भी लेते हैं। मैं साहब ये नहीं कहता कि विदेश मत जाइए, आप विदेश जाइए, आप विदेश जाइए, विदेश घूमिए, विदेश में नौकरी तक भी करिए, मगर साहब आप नौकरी कीजिए, वहां से पैसा कमा कर लाइए और हिंदुस्तान में लगाइए, विदेश में जाकर बसिए मत, अगर कोई इतनी बड़ी मजबूरी नहीं है तो। लेकिन साहब ये जो अवसर जब किसी ठेठ हिंदुस्तानी के पास आता है तब उसका क्या जवाब होता है, है ना साहब। जब ये अवसर मेरे पास आता विदेश जाने का तो मैंने क्या कहा था, गीत निवेदन करता हूं, झूमता हुआ गीत है, आपको आनंद ना आए तो खाली लिफाफा भी वापस। सुनिए, जब मेरे पास अवसर आया विदेश जाने का तो मैंने क्या कहा, सुनिए। नहीं 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 नहीं, मुझको नहीं जाना उस पार, नहीं नहीं मुझको नहीं जाना उस पार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया, नहीं नहीं मुझको नहीं जाना उस पार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया, वहाँ गोरों की होगी सरकार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया, नहीं नहीं मुझको नहीं जाना 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 जाना। एक बात साहब निवेदन कर दूं कि हम कवियों के पास कोई वाद्य यंत्र नहीं होता, आपकी तालियां ही हमारे लिए वाद्य यंत्र का काम करती है ना, आपकी तालियों से इस बात का आंकलन नहीं होता साहब कि हमारी कविता अच्छी है कि बुरी है, बस यह है कि जब आप लोग तालियां बजा लेते हैं तो हम कवि लोग सांस ले लेते हैं, है ना, हमें भी सांस लेनी होती है। तो जब मैं कहूँ ना कि मुझको नहीं जाना 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 जाना, तब आप लोग ताली बजा दीजिएगा, बाकी पूरा गीत सुनेगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप ताली ना बजाएं और मैं कहूँ कि मुझको नहीं जाना 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 और मैं चला जाऊँगा, है ना, तो एक कवि की हत्या का पाप क्यों ले रहे हैं आप लोग। असल में होता है क्या, विदेश में जाने के कुछ प्रमुख लालच होते हैं, जिसमें से प्रमुख लालच जो होता है वो होता है ग्रीन कार्ड का लालच। ग्रीन कार्ड समझते हैं आप सभी लोग, जो लोग नहीं समझते मैं उनको बताता हूँ साहब। जब आप किसी विदेशी महिला से शादी कर लेते हैं तो आपको उस देश में रहने का अधिकार मिल जाता है ना साहब, तो उसे कहते हैं ग्रीन कार्ड। तो साहब लेकिन अधिकतर देखा गया कि जो गोरी मेम विदेशी महिलाएं होती ना, इस ग्रीन कार्ड को बेचने के लिए अधिकतर हिंदुस्तान में ही आती हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि पूरे ब्रह्मांड में अगर पुरुषों की कहीं खूबसूरत प्रजाति पाई जाती है तो वो हिंदुस्तान में ही पाई जाती है। लेकिन साहब कुछ होते हैं ठेठ आधार कार्ड वाले, है ना जी, आधार कार्ड है आप सबके पास, मेरे पास भी है। जब वो विदेशी महिला मेरे पास ग्रीन कार्ड बेचने के लिए, तो मैंने क्या कहा, अब गीत का आनंद लेना, ठीक है। मुझको नहीं जाना 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 जाना, बहुत आभार, गीत सुनेगा। अरे मुझको नहीं कोई भी ग्रीन कार्ड चाहिए, मुझको नहीं कोई भी ग्रीन कार्ड चाहिए, आधार से तुमको गर जुड़ना हो आइए, आधार से तुमको गर जुड़ना हो आइए, आजा 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 आजा, पहना दूं साड़ी गोटेदार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया, नहीं नहीं मुझको नहीं जाना 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 जाना, जाना। बहुत बहुत आभार आपका। देखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, जीवन में अवश्य उतारेगा साहब, यकीन मानेगा। हमारे पड़ोस में एक हैं, वो कनाडा में रहते हैं साहब, उनके पिता का निधन हुआ तो वो चाहकर भी अंतिम संस्कार में नहीं आ पाए,
तो जब मेरी उससे फोन पे बात हुई, मेरे मित्र हैं, तो उन्होंने कहा साहब कि इससे बड़ी बेबसी क्या होगी कि मैं अंतिम समय में अपने पिताजी को नहीं देख पाया। तो यहाँ से गीत का दूसरा वर्ष शुरू करता हूँ साहब, मुझे पता है कि आपको अच्छा लगेगा। हम विदेश क्यों जाते हैं साहब? जब हमारे पास पैसों की कमी होती है, जब हमारे पास पैसों की कमी होती है तो हम लोग विदेश की तरफ भागते हैं। लेकिन साहब हिंदुस्तान में जो मिलता है वो पूरे विदेश में, पूरी दुनिया में नहीं मिलता। पंक्ति निवेदन करता हूँ, सुनेगा। अरे जेब में पैसे ना हो फिर भी बच्चे पलते हैं, जेब में पैसे ना हो फिर भी बच्चे पलते हैं, बनिए की कॉपी में दो चार खाते चलते हैं, बनिए की कॉपी में दो चार खाते चलते हैं। वहां देगा ना कोई भी उधार अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया। नहीं नहीं मुझको नहीं जाना 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 जाना। बहुत बहुत आभार साहब। तीसरा साहब, तीसरा प्रमुख कारण होता है जब कुछ लोगों के पाप का घड़ा भर जाता है तो उस घड़े को फोड़ने के लिए वो विदेश जाते हैं। जैसे कि आदरणीय विजय माल्या साहब, पूरा पंजाब नेशनल बैंक खाली कर दिया साहब, मेरा भी वहीं पर अकाउंट था, यकीन मानेगा। लेकिन साहब एक बात आप लोगों की तालियों के माध्यम से विजय माल्या साहब तक पहुँचाना चाहता हूँ, लंदन तक, कि मोक्ष तो आपको हिंदुस्तान में ही मिलेगा। अब ये सुनेगा, ये पंक्ति ये स्वर वहां तक पहुंचाइएगा, सुनिए। अरे लंदन में ना तेरे पाप धुल पाएंगे, लंदन में ना तेरे पाप धुल पाएंगे, हरिद्वार आजा प्यारे गंगा नहाएंगे, हरिद्वार आजा प्यारे गंगा नहाएंगे। श्री राम लगाए नैया पार अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया। नहीं नहीं जाना 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 जाना। बहुत बहुत आभार साहब। जब बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल जाए ना तो समझ लीजिए कवि सम्मेलन साहब सफल हो गया। पढ़ो, हाँ पढ़ रहे, पढ़ो। मुनीश साहब कह रहे कि पढ़ो पढ़ो, लिफाफा खाली है, 500 रख दूंगा, है ना साहब। लेकिन कौन लिफाफे, जब इतनी अच्छी जनता होती है तो कौन लिफाफे के लिए आता है साहब, है ना। अब एक चौथा जो प्रमुख कारण होता है विदेश में बसने का साहब, वो कारण साहब ये होता है कि जब बहुत अमीर लोग, बहुत अमीर लोगों को, जैसे कि अंबानी साहब, अडानी साहब, बहुत अमीर लोगों को कहीं छुट्टियां मनाने का मन होता था तो वे एक स्थान का चुनाव करते थे। उस स्थान का नाम होता है साहब स्विट्जरलैंड, है ना साहब। लेकिन एक बात मैं आप सबको बता दूं कि इस पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई सबसे सुंदर चीज है, सबसे सुंदर जगह है, तो साहब वो है स्वर्ग। और वो स्वर्ग अगर पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर है तो है पृथ्वी में, और अगर वो स्वर्ग पृथ्वी में कहीं पर है तो वह है हिंदुस्तान में, और अगर वो स्वर्ग हिंदुस्तान में कहीं है तो वह है कश्मीर में। और वो अलग बात है कि पिछले 70-72 सालों से उस कश्मीर का, उस स्वर्ग का दरवाजा बंद था। पिछले तीन चार साल पहले एक तीर चलाया साहब, जिसने उस स्वर्ग के दरवाजे को खोल दिया। अब आपको कहीं भी छुट्टियां मनाने का मन, कहीं कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। अब ये सुनिए, बन निवेदन करता हूँ, सुनेगा। अरे स्विट्जरलैंड फीका पड़ा एक तीर से, स्विट्जरलैंड फीका पड़ा एक तीर से, 370 हट गई यार कश्मीर से, 370 हट गई यार कश्मीर से। अब तो खुला है जन्नत का द्वार अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया। नहीं नहीं मुझको नहीं जाना 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 जाना। बहुत बहुत आभार। इस गीत का आखिरी बार निवेदन करता हूँ, बहुत अच्छा आपने सुना साहब। अब मेरा मन साहब ये है ना कि जैसे होता ना कि आपको उतना ही निचोड़ा जाए जितना रस हो, है ना। पूरा आपको निचोड़ा जा चुका है, अब बाकी जो है वो नींबू फंसाने का काम मोनिका देलवी जी करेंगे, है ना साहब। होता ना वो गन्ने को डाला जाता था, फिर उसे मोड़ा जाता है, है ना। तो गन्ना डाल दिया था, क्या कहते हैं समीक्षा जी ने, है ना, फिर मुझे मोड़ दिया गया, फिर फंसाया गया उसमें, है ना। अब केवल नींबू की जगह बची है साहब, वो मोनिका देलवी जी हैं, जिसे आप सुनेंगे भी और देखेंगे भी, है ना। गीत का अंतिम मन निवेदन करता हूँ साहब, डेढ़ घंटे का कायपा, लेकिन साहब असल में क्या होता है ना सब, कुछ होती हैं अच्छी कविताएं, कुछ होती हैं अलग कविताएं, तो साहब मैं अलग कविताएं लिखता हूँ। अच्छी कविता लिख पाता नहीं लिख पाता मुझे नहीं मालूम, कविता का आकलन तो आप लोग करते हो साहब, हमारी क्या औकात है साहब। आपने पास करे तो कविता पास हो गई। गीत का अंतिम बंद निवेदन करता हूँ, इस बंद में मैंने ईश्वर से प्रार्थना की है बजरंग दलबालों,
विश्व हिंदू परिषद वालों, इस गीत में मैंने एक प्रार्थना की है ईश्वर से, अगर वही प्रार्थना आपकी प्रार्थना हो तभी तालियां बजाइएगा, झूठी तालियां मत बजाइएगा। बंद निवेदन करता हूं, सुनेगा। अरे जय हिंद बोलूं मेरी किस्मत में लिख देना, जय हिंद बोलूं मेरी किस्मत में लिख देना, अगला जन्म भी मालिक भारत में लिख देना, अगला जन्म भी मालिक भारत में लिख देना। मेरा 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 ध्वज हो तिरंगा हर बार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया। नहीं नहीं मुझको नहीं जाना 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 स्वर कोकिला के नाम से मशहूर बहन मोनिका जी इस वक्त देश विदेश में भारत का नाम रोशन कर रही हैं। इनकी आवाज का काव्य ऐसा है कि उड़ती चिड़िया भी पंख फड़फड़ाना भूल जाए। इनकी तारीफ में ज्यादा क्या कहूँ, आप खुद ही सुन लीजिए। मैं आमंत्रित करता हूँ बहन मोनिका देहलवी जी को कि वो आए और मंच में नए प्राणों का संचार करें। मोनिका जी, अच्छा जैसी मोनिका जी माइक पे आई, जैसी मोनिका जी माइक पे आई जो है वो पीछे हमारे क्या कहते हैं बैठे हुए बुजुर्ग, उन्होंने जो है अपनी आंखों को मला 5-6 बार। चाचा कोई आंखों की रोशनी थोड़ी ना आ जाएगी, मोनिका देहलवी है, चश्मा थोड़ी ना है, है ना। चलिए मोनिका जी बहुत बहुत बढ़िया, मेकअप वेकअप सब अच्छा, आपको अच्छी लग रही है आप, है ना। पुनः आपको प्रणाम करती हूँ। प्रणाम। देख रहे हैं कि काफ़ी देर से आपने इनको काफ़ी मौका दिया पढ़ने के लिए, काव्य पाठ भी किया, इतनी देर से आप इन्हीं को सुन रहे थे। फिर भी कुछ लोगों की आदत होती है कि बीच बीच में बोलते रहते हैं, और उनको बोलते वो लोग हैं जिन्हें घर में बोलने की परमिशन नहीं होती, तो वो सारी भड़ास मंच पर आकर निकालते हैं। अच्छा एक बार इन्होंने प्रयास भी किया घर पर बोलने का, तो एक राइटर की बुक निकाल के लाए और उस बुक को दिखाते हुए अपनी पत्नी से बोले कि देखो इसमें भी लिखा हुआ है कि पतियों को बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, पति भी बोल सकते हैं। तो इनकी पत्नी ने तुरंत कहा रहने दे, इसने भी बस लिखा है, बोल ही भी नहीं पाया। तो ये इस तरीके के कवि हैं, बीच बीच में बोलते रहेंगे, लेकिन मैं जैसा कि श्रृंगार की कवि, मैं मोनिका जी बाप देखिए जो सच है वो आपको सच बताता हूँ। हम जब यहाँ पे आए कवि सम्मेलन जो स्टार्ट होने वाला था, ये बोले मुनीश भैया कि आओ कवि सम्मेलन स्टार्ट होने वाला, प्रारंभ होने वाला है। आप मेरा विश्वास कीजिएगा, मैंने खाली ऐसे मुंह धोया है ना, पूछा भी नहीं और ऐसे चला आया। आप मेरा विश्वास करना, 1.5 घंटे से POP चल रही थी इनकी, 1.5 घंटे से, 1.5 घंटे से तैयार हो रही थी कवि सम्मेलन। अगर ये लेट हुआ है ना तो इनकी वजह से लेट हुआ है। अब बताइए जी, हम पुरुषों में क्या दिक्कत है ना जी, 1.5 घंटे से POP कर रही है। देखिए आप जानते हैं कि माता रानी का तो 16 श्रृंगार होते हैं, माँ का तो श्रृंगार होता है, भैरव बाबा का कहीं श्रृंगार नहीं होता। तो ये वो भैरव बाबा है तो इनका श्रृंगार तो होना नहीं था, है ना, माता का तो हमेशा होता है। अच्छा देखिए अब, अच्छा ठीक है, मैं 4 पंक्ति निवेदन कर दूं आप लोगों की तरफ से, इनको कर दूं, आज्ञा है ना पुरुष, हाँ सुनेगा कि सुनिए मोनिका जी, हमें भैरव बाबा आप कह रही हैं कि मुझे देखेगी जब पलकें झपकना भूल जाएगी, मुझे देखेगी, मुझे भैरव बाबा बोल रही है ये, मुझे देखेगी जब पलकें झपकना भूल जाएगी, चुरा लूंगा तेरी नींदें तो सोना भूल जाएगी, अगर मेकअप ही प्यारा है तो मुझसे प्यार मत करना, मोहब्बत होगी जब मुझसे सवरना भूल जाएगी। देखिए बहुत शानदार तालियों से आपने उनका समर्थन किया, और यदि आप चाहते हैं कि मैं इनका जवाब दे दूं तो बताइएगा किस तरीके से आप सुनना चाहते हैं, थोड़ा तालियों के माध्यम से मुझे बताइए, वरना तो मैं काव्य पाठ कर सकती हूं। अच्छा बहुत बढ़िया, लड़कों मतलब आपका कोई भरोसा नहीं है ना, रामलाल की शादी में गए, श्यामलाल का बैंड बज रहा तो वही नाचने लग गए। बात कर रहे हैं कि श्रृंगार करना भूल जाएगी, प्रेम की बातें कर रहे हैं। अब इनको देखिए और मुझे देखिए, अब मेरी पंक्तियां सुनिएगा। प्रेम की बातें करते हैं और प्रेम इनके लिए लड़कियों के क्या विचार रहते हैं, क्या सोचती हैं इनके विषय में, हालांकि इनको बहुत गलत फहमी है, मैं आप तक पहुंचाती हूँ 4 पंक्तियों के माध्यम से, सुनिएगा। उजड़ी टूटी फूटी नैया लगते हो,
प्रेम की बातें कर रहे हैं। उजड़ी टूटी फूटी नैया लगते हो, बासीद की आप सिवैया लगते हो, बासीद की आप सिवैया लगते हो। कैसे कोई लड़की साजन बोलेगी, कैसे कोई लड़की साजन बोलेगी, हर लड़की को शक्ल से भैया लगते हो, हर लड़की को शक्ल से भैया लगते हो। अच्छा जी, हम हर लड़की को शक्ल से भैया लगते हैं, कोई दिक्कत नहीं जी, हम हर लड़की के भैया बनने को तैयार हैं, एक के अलावा कोई दिक्कत नहीं। देखिए एक के अलावा कह रहे हैं, सुनिएगा कि वजह कोई नहीं है, मुस्कुराना छोड़ दे पगले। जिस तरीके से मुस्कुरा कर कह रहे हैं कि एक का छोड़ के सबका भाई बनना चाहता हूँ या बन सकता हूँ। वजह कोई नहीं है, मुस्कुराना छोड़ दे पगले, मेरी गलियों में अब चक्कर लगाना छोड़ दे पगले। तुझे इनकार कब करती तू बस पहले नहीं आया, किसी की हो चुकी हूँ आजमाना छोड़ दे पगले। तो ये जी देखिए आज मैं नहीं, नहीं ऐसे कैसे, मतलब आगे हम क्या मतलब हार जाएंगे, है ना, चार पंक्ति और सौंप दूं, है ना। सुनिए, हम कोई ऐसे तो ना हार मानेंगे साहब। चुराएगा मेरी नींदें तेरा काजल बड़ी आई, खुददार लड़के हैं साहब हम, मवाना वाले हैं ना। चुराएगा मेरी नींदें तेरा काजल बड़ी आई, चुराएगा मेरी नींदें तेरा काजल बड़ी आई, मचाएगा मेरे दिल में कोई हलचल बड़ी आई। चुराएगा मेरी नींदें तेरा काजल बड़ी आई, मचाएगा मेरे दिल में कोई हलचल बड़ी आई। मैं अपने शहर का सबसे अधिक मशहूर लड़का हूँ, मोहब्बत में बनाएगी मुझे पागल बड़ी आई। देखिए आप, मैं इतने जवाब दे सकती हूँ कि शायद इन पर मतलब बोलने के लिए कुछ रहा ना रहेगा ही नहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जैसा कि मैं कविता के लिए पहचानी जाती हूँ, ये नोक झोंक मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन मैं फिर भी प्रयास करती हूँ कि इनका जवाब देकर मैं अपना काव्य पाठ प्रारंभ करूँ। मैं चार पंक्तियाँ पढ़ना चाहती हूँ, सुनिएगा। दीवानों में ढूंढो इनको, दीवानों में मिलते हैं, दीवानों में ढूंढो इनको, दीवानों में मिलते हैं, दीवानों में ढूंढो इनको, दीवानों में मिलते हैं। मेरे छोड़े ठुकराए सब मैखानों में मिलते हैं, मेरे छोड़े ठुकराए सब मैखानों में मिलते हैं। और पागल की बात करें, सच्ची मोहब्बत करने वाले ये न समझना बस तुम हो, सच्ची मोहब्बत करने वाले ये न समझना बस तुम हो, तुम जैसे जाने कितने पागल खानों में मिलते हैं। नहीं 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 ठीक है ठीक है, आपके पास मैं समझ रहा हूँ, लेकिन देखिए मैं आपने अंतिम कहा ना, आपने तरंगों में गाकर सुनाया है ना, तो मैं भी गाकर आपको एक सुनाऊंगा जरूर, है ना जी, गाकर समापन करूंगा मैं, हार तो मानने वाला हूँ नहीं। ठीक है जी, ठीक है, ये बात कर दी कि बहुत खूबसूरत है ना, हमें तो देखिए हम तो माँ के भक्त हैं, मैंने आपको बताया अभी। चार पंक्तियां निवेदन करता हूँ, सुनेगा, तरन्नुम हम भी सुनाएंगे। कि दे दूंगा दिल उसे अभी वो हाँ अगर कहे, दे दूंगा दिल उसे अभी वो हाँ अगर कहे, पर जान थोड़ी दूंगा मुझे जा अगर कहे, पर जान थोड़ी दूंगा मुझे जा अगर कहे। महबूब अगर बोले तो छत पर नहीं चढ़ूं, महबूब अगर बोले तो छत पर नहीं चढ़ूं, और चांद तोड़ लाऊं मेरी माँ अगर कहे, और चांद तोड़ लाऊं मेरी माँ अगर कहे। बहुत 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 शुक्रिया आप सभी लोगों का मोनिका जी, ये तो आप लोगों से जुड़ने का एक कुछ देर की जुगलबंदी थी। मेरा मन है कि मोनिका देहरवी जी एक अच्छे साहित्य के लिए, अच्छी कविता के लिए पूरे देश विदेश में पहचानी जाती है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, आप सुनिए मोनिका जी। बहुत बहुत धन्यवाद।
श्रृंगार की कवित्रियों, गीत गजल मोहब्बत की बातें करती हूँ। चार पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ और निवेदन ये भी करना चाहती हूँ कि अब थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए आप भागे ना, क्योंकि अभी दीदी बैठी हुई है, थोड़ा उनको भी सुनिएगा, थोड़ा मुझे भी सुनिएगा। 5 मिनट आपके बीच रहूंगी और प्रयास करूंगी आपके दिल तक पहुंचूं। निवेदन की, जैसा कि मैं हमेशा हर मंच से पढ़ती हूं, निवेदन की 4 पंक्तियां पढ़ना चाहती हूं, सुनिएगा। रसधार गीत गजलों की बहाने आई हूँ, रसधार गीत गजलों की बहाने आई हूँ, तालियों की बरसात में नहाने आई हूँ, तालियों की बरसात में नहाने आई हूँ। सम्मान समर्थन ये प्रेम हर शहर मिला, सम्मान समर्थन ये प्रेम हर शहर मिला, अब आपका भी प्यार आजमाने आई हूँ, अब आपका भी प्यार आजमाने आई हूँ। अब आदरणीय निवेदन करना चाहूंगी, थोड़ी देर के लिए आप 5 मिनट मुझे दीजिएगा, 5 मिनट जो भी मैं आपके बीच पढ़ना चाहती हूँ, आपका आशीर्वाद प्रेम चाहूंगी। प्रेम और भक्ति को एक माला में परोने का प्रयास किया है, उम्मीद करती हूँ आपके दिल तक पहुँच। वेद पुराण कथा ना जानो ना रामायण ज्ञान किया है, वेद पुराण कथा ना जानो ना रामायण ज्ञान किया है, ना इश्लोक पढ़े भगवत गीता के ना गुड़े गान किया है। प्रेम लिखा है, प्रेम पढ़ा है, प्रेम का ही बस भान हुआ है, प्रेम किया तो जान गई मैं मीरा ने क्यों विष पान किया है, प्रेम किया तो जान गई मैं मीरा ने क्यों विष पान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। उद्धव ने जब कृष्ण बिरहणी ब्रजांगना को योगा अभ्यास के द्वारा निराकार ब्रह्मा का साक्षात्कार करने का उपदेश दिया तो ब्रजवल्लभ उपासनी गोपियां कहती हैं, हे उद्धव, तुम्हारे योग का ये ठग व्यवसाय प्रेम भूमि ब्रज में नहीं चलेगा, प्रेम को व्यर्थ बताकर ज्ञान की बातें करते हो। तब जो 4 पंक्तियों में गोपियों ने कहा वो आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। जो ब्रज की रज में लिपटोगे भक्ति की गागर भरने लगेगी, जो ब्रज की रज में लिपटोगे भक्ति की गागर भरने लगेगी, पुण्य कोई भी करो ना करो तुम खुद ही उमरिया तरने लगेगी, ग्रंथ सभी बिसराओगे उधो जाप करोगे राधे राधे, प्रेम की जो मदिरा चख लोगे ज्ञान की भांग उतरने लगेगी, प्रेम की जो मदिरा चख लोगे ज्ञान की भांग उतरने लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और थोड़ा सा मन बदलना चाहती हूँ, मेरे नौजवान दोस्त यहाँ उपस्थिति रखते हैं, पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। दिल में तेरे बेचैनी आंखों को नम छोड़ जाएंगे, दिल में तेरे बेचैनी आंखों को नम छोड़ जाएंगे, दिल में तेरे बेचैनी आंखों को नम छोड़ जाएंगे, तुम क्या हमें छोड़ोगे, तुमको खुद हम छोड़ जाएंगे, तुम क्या हमें छोड़ोगे। आप तीनों बातें कर रहे हो क्योंकि वो छोड़ेंगे नहीं आप, इसलिए बताओ क्यों भला पैदा ये तुम हालात करते हो, बताओ क्यों भला पैदा ये तुम हालात करते हो, हमारे साथ ही ऐसा या सबके साथ करते हो, और तुम्हारे ही लिए आए हो फिर ये बेरुखी कैसी, इधर कविता मैं पढ़ती हूँ उधर तुम बात करते हो, तो ये गलत बात है, कविताएं आपके लिए लेकर आए हैं, पंक्तियां सुनिएगा। देखिए मेरा मन है, आप इतने अच्छे श्रोता हैं, बड़े मन के साथ कविताओं को सुन रहे हैं, तो एक मेरी गजल है जो कि आजकल मंचों पे बहुत पसंद की जा रही है,
तो मैं उम्मीद करती हूँ आपका मन भी मुझे मिलेगा। गजल पढ़ना चाहती हूँ, उसके बाद एक छोटा सा गीत। हाँ हाँ पढ़िए पढ़िए, लेकिन एक बात मैं निवेदन आप सबके सामने कर दूं, मैं ज्यादा नहीं पकाऊंगी, दो मिनट की गजल। मोनिका जी, मोनिका जी, मोनिका जी अभी आप शुरू हुई हैं, लेकिन मैं एक निवेदन कर दूं साहब की मोनिका देहलवी देश की सर्वश्रेष्ठ 5 कवियों में से एक नाम होता है मोनिका देहलवी का। आज मुनीश भाई के कहने पर ये यहाँ पे आई हैं, कसम से आप यकीन मानेगा, आप थोड़ा इसको सुनने का मन बनाइएगा तो ये वो सुना देंगी, है ना, जो आप सुनना चाहते हैं, जो इसका सुनने का इसका मन बनाइए सुनने का यार लड़कों, तब समझ में आएगा कि कविता क्या होती है। बस जोरदार तालियां बजाइए, सुनिए मोनिका देहलवी जी को। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। देखिए 5 मिनट और आपका समय लूंगी, तो जिस गजल के लिए मैं बोल रही थी वो गजल आपके बीच रखती हूँ, सुनिएगा। यदि प्यार में हमें इतने समर्पित नहीं होते, क्या हिंदी की काफी लगा दे, वाह। यदि प्यार में हमें इतने समर्पित नहीं होते, यदि प्यार में हमें इतने समर्पित नहीं होते, यदि प्यार में हमें इतने समर्पित नहीं होते, दुनिया में तेरे नाम से चर्चित नहीं होते, दुनिया में तेरे नाम से चर्चित नहीं होते। और शेर सुनिएगा, तुम साथ निभाते तो ये नौबत नहीं आती, तुम साथ निभाते तो ये नौबत नहीं आती, खत आपके गंगा में विसर्जित नहीं होते, खत आपके गंगा में विसर्जित नहीं होते। और ये शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा, ये शेर मेरी तरफ से है, पूरे मंच की तरफ से है। यदि शेर आपके समझ में आए तो आपकी तालियां मुझ तक पहुंचे, सुनिएगा। जागी हूँ कई रात में यादों में किसी की, जागी हूँ कई रात में यादों में किसी की, ये गीत गजल छंद यूं अर्जित नहीं होते, ये गीत गजल छंद यूं अर्जित नहीं होते। और अपने नौजवान दोस्तों के लिए पढ़ती हूँ, सुनिएगा। चोरों की तरह आते थे गलियों में हमारी, चोरों की तरह आते थे गलियों में हमारी, आते जो खुले आम तो वर्जित नहीं होते। बजरंग दल वाले बैठे हुए हैं और मैं प्रेम की बातें कर रही हूँ, कब उनका लट निकल जाए समझ में नहीं आता, लेकिन देखिए प्रेम भी बहुत जरूरी है। जिस तरीके से देखिए प्रेम जरूरी नहीं है कि एक प्रेमिका से किया जाए, प्रेम माँ से भी होता है, भाई से भी होता है, बहन से भी होता है, और प्रेम का होना बहुत जरूरी है। तो बस उसी प्रेम के खातिर आप तालियां बजाते रहिएगा। हालांकि मुझे डर था पहले से ही कि मैं यहाँ खड़ी तो हो जाऊंगी और प्रेम की बातें भी करूंगी। मोनिका जी बताइए, आप प्रेम की बातें कर रहे हो, इतनी अच्छी तालियां बजा रहे हैं, मतलब क्या करें आप, मतलब लड़के क्या करें ये बताओ। नहीं नहीं मैं समझ रही हूँ भैया, एक काम करो आप ना, अब जब ये गजल ये शेर सुना तो ताली ना बजा पाओ तो अपने जो पड़ोस में बैठे उसकी पीठ बजा दो। नहीं देखिए ऐसा है, यदि आपको क्रोध आ भी रहा है, यदि आपको गुस्सा आ रहा है, उसे दबा के इस समय रख लीजिएगा और मैं निकल जाऊं, पुलिस भैया से बात कर लीजिएगा, क्योंकि बुलाने वाली यही है। मोनिका जी आप कैसी, मोनिका जी आप बात करें, मैं इन लड़कों का चेहरा देख रहा हूँ, लड़कों की आंखें देख रहा हूँ, कैसे आप गुस्सा कर रहे हो। अच्छा इसीलिए वो तो सोच रहे, वो मुझे लग रहा है कि गुस्से में ही बैठे हैं सब लोग, खो गए मेरे निकलने के बाद, है ना, आपकी कविता में खो गए, सुनाइए। चलिए मैं एक गीत पढ़ देती हूँ 2 मिनट का, जो कि एकदम नया गीत हुआ है मेरा और आजकल बहुत पसंद किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि आजकल के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, लड़कियां हैं, वो आजकल टैटू वाला सिस्टम हो गया है, बालों में कलर वाला सिस्टम हो गया है, तो बहुत करा रहे हैं। यहाँ पे भी कोई बैठा है क्या टैटू वाला व्यक्ति? बहुत सुंदर गीत है भाई, बहुत सुंदर। कोई लड़का बैठा है? अच्छा बिल्कुल, अब सुनिएगा मेरा गीत। लड़के लगा सकते हैं, लड़कियों के लिए मना नहीं, मेरे मैं बस टैटू को जहन में रखते हुए ये गीत लिखा और कलर जो बालों में रहता है। अब सुनिएगा ये मेरा गीत, सुनिए। इंडियन हूँ, इंडियन हूँ मैं लड़की, इंडियन हूँ, इंडियन हूँ मैं लड़की, इंडियन। देखिए आपकी तालियों की ताल थोड़ी सी मिल जाएगी तो और भी अच्छा लगेगा, सुनिएगा। इंडियन हूँ मैं लड़की, इंडियन हूँ, इंडियन
इंडियन हूँ, मैं लड़की इंडियन हूँ। रंग बिरंगे बाल नहीं, रंग बिरंगे बाल नहीं, टैटू मॉडल चाल नहीं, देसी जीवन हूँ इंडियन हूँ, मैं लड़की इंडियन हूँ, इंडियन हूँ, मैं लड़की इंडियन हूँ। अब बंद सुनिएगा। जींस पहन कर देखी पर साड़ी सुंदर है गहना हमेशा पहना, फैशन के संग सीखा मैंने मर्यादा में रहना, यही है कहना। वॉच नहीं मैं हाथों की, वॉच नहीं मैं हाथों की, नींद रातों रातों की, हीरे का कंगन हूँ इंडियन हूँ, मैं लड़की इंडियन हूँ, इंडियन हूँ, मैं लड़की इंडियन हूँ। और ये बंद भी सुनिएगा। एक बार आशीर्वाद ले लीजिए आप। हाँ हाँ, नहीं असल समझ में आता है, वो कहते हैं ना लट से तो भूत भी भागते हैं, मैं तो फिर एक छूट। ये गीत मोनिका जी का, ये गीत एक देश की बहुत बड़ी पार्टी है, है ना, आप जानते हैं बड़ी पार्टी कौन है। तो ये गीत उनकी किताब निकलती है, उस किताब के लिए गीत पसंद किया गया। एक बार इसके लिए भी तालियां बजा दीजिए। स्वागत है। चलिए बंद पढ़ती हूँ, सुनिएगा। इंडियन हूँ मैं लड़की इंडियन हूँ, मेरी बातों से खुल जाती है मेरी प्रोफाइल, अलग स्टाइल। इंडियन जो लड़कियाँ होती हैं, हिंदुस्तानी एक बेटी होती है, उसको किसी परिचय की मतलब देने की जरूरत नहीं होती। अगर उसकी फाइल भी, अगर प्रोफाइल भी देख ली जाए तो उसका सारा परिचय है, उसकी हर एक भावना अंदर से वो कैसी है, या हमारे यहाँ जो प्रेम कल्चर ये सब कुछ जो देखने को मिलता है वो उसमें दिखाई देता है। तब मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। इंडियन हूँ मैं लड़की इंडियन हूँ, मेरी बातों से खुल जाती है मेरी प्रोफाइल, अलग स्टाइल। हर कोई करना चाहे मेरे फोन का नंबर डायल, देखे स्माइल। सब मेरे पीछे भागे, सब मेरे पीछे भागे, मुझको ही रब से मांगे, ऐसा मैं धन हूँ इंडियन हूँ, मैं लड़की इंडियन हूँ, इंडियन हूँ, मैं लड़की इंडियन हूँ। और अंतिम बंद पढ़ना चाहती हूँ। इसमें मैंने ईश्वर से क्या प्रार्थना की है, मैंने अपने स्वभाव में, अपने नेचर में, मैंने उस भगवान से क्या मांगा है, सुनिए। इंडियन हूँ मैं लड़की इंडियन हूँ, प्रेम दया करुणा मांगी है मैंने उस ईश्वर से, प्रभु के दर से। प्रेम दया करुणा मांगी है मैंने उस ईश्वर से, प्रभु के दर से। घर से निकलूं नजर उतारे माँ मेरे ऊपर से, हाथ रख सर से। अपनी माँ की जान हूँ मैं, अपनी माँ की जान हूँ मैं, पापा का अभिमान हूँ मैं, घर का आंगन हूँ इंडियन हूँ, मैं लड़की इंडियन हूँ, इंडियन हूँ, मैं लड़की इंडियन हूँ, इंडियन हूँ, मैं लड़की इंडियन हूँ। जोरदार तालियां मोनिका देवी के सम्मान। बहुत बहुत शुक्रिया मोनिका दीदी ने, बहुत अच्छा सुनाया। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा डॉक्टर शमा गुप्ता जी को, जो कि प्रोफेसर भी हैं और बहुत ही कोयल से मीठे स्वरों के स्वामी हैं, कि वो मंच पे आएं और अपने मीठे स्वरों से मंच को लाभान्वित करें। डॉक्टर शमा गुप्ता जी। प्रभु की जो सर्वशक्तिमान ईश्वर है उसके लिए चार पंक्तियाँ। आग वो चाहे तो पानी में लगा सकता है, आग वो चाहे तो पानी में लगा सकता है, नदी की बात क्या सागर भी सुखा सकता है, वो न चाहे कोई पत्ता नहीं हिला सकता, वो न चाहे कोई पत्ता नहीं हिला सकता, और वो चाहे तो तिनके सा उड़ा सकता है, और वो चाहे तो तिनके सा उड़ा सकता है।
धन्यवाद आप सबका, आभार। और इसी के साथ एक गजल। अच्छा है, मेरी अग्रज समीक्षा जी ने चेतना भरने का जो काम किया था, थोड़ा सा उसी में आज की जो देश की स्थितियां हैं कि समाज को जागृत होने की जरूरत है, तो ऐसे ही कुछ शेरों को कहती हुई ये गजल आपके सामने। अंधेरे मन के मिटाओ तो बात है कोई, अंधेरे मन के मिटाओ तो बात है कोई, दीप बुझे दिल के जलाओ तो बात है कोई, दीप बुझे दिल के जलाओ तो बात है कोई, छोड़कर सारे गिले शिकवे अपनी महफिल में, छोड़कर सारे गिले शिकवे अपनी महफिल में, कभी हमको भी बुलाओ तो बात है कोई, कभी हमको भी बुलाओ तो बात है कोई, अंधेरे मन के मिटाओ तो बात है कोई, सोने वालों को तो आसान जगाना फिर भी। समीक्षा जी ने समाज से जागृत होने का आह्वान किया है। सोने वालों को तो आसान जगाना फिर भी, जगे हुओं को भी जगाओ तो बात है कोई, जगे हुओं को भी जगाओ तो बात है कोई, अंधेरे मन के मिटाओ तो बात है कोई, खामियां दूसरों की हमने देख तो ली बहुत। हम सब अपना दोष दूसरे के ऊपर रख छोड़ देते हैं और वही अपने कर्तव्य की तीसरी समझ लेते हैं। खामियां दूसरों की हमने देख तो ली बहुत, दोष कुछ अपने मिटाओ तो बात है कोई, दोष कुछ अपने मिटाओ तो बात है कोई, दीप बुझे दिल के जलाओ तो बात है कोई, भर दे आशा से किसी के निराश जीवन को, भर दे आशा से किसी के निराश जीवन को, गीत अब ऐसे भी गाओ तो बात है कोई, गीत अब ऐसे भी गाओ तो बात है कोई, अंधेरे मन के मिटाओ तो बात है कोई, छोड़कर अब क्षमा अलग अलग अपने साजों को। समाज में एकता की बहुत ज्यादा जरूरत है इस समय। छोड़कर अब क्षमा अलग अलग अपने साजों को, तार दिलों के ही मिलाओ तो बात है कोई, तार दिलों के ही मिलाओ तो बात है कोई, अंधेरे मन के मिटाओ तो बात है कोई, दीप बुझे दिल के जलाओ तो बात है कोई। इसके साथ एक और गजल आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। वही देश के और समाज के जो हालात हैं उन्हीं पर ये भी गजल है। बिखरे बिखरे से ही कुछ ख्वाब सजाए रखिए, बिखरे बिखरे से ही कुछ ख्वाब सजाए रखिए, कुछ तो जीने का एहसास बनाए रखिए, बिखरे बिखरे सही। आज के दौर में है हर ओर लूटने वाले, आज के हर हाल में बस खुद को जगाए रखिए, अच्छा के हर हाल में बस खुद को जगाए रखिए, कुछ तो जीने कभी घेर ले सबको न नफरत का अंधेरा के, घेर ले सबको न नफरत का अंधेरा के, दिए प्रेम के गली गली में जलाए रखिए, दिए प्रेम के गली गली
कुछ तो जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप सभी का बहुत आभार। कुछ तो जीने कभी एहसास बनाए रखिए, भाई ही भाई का बन जाए दुश्मन जिससे, भाई ही भाई का बन जाए दुश्मन जिससे, अपने दिल में कि वो हर बात छुपाए रखिए, अपने दिल में कि वो हर बात छुपाए रखिए। कुछ तो जीने का, फंस के इनमें न भटक जाओ अपनी मंजिल से, फंस के इनमें न भटक जाओ अपनी मंजिल से, अपने दामन को के कांटों से बचाए रखिए, अपने दामन को, तंग है राह और जाना बहुत दूर है हमको, इस देश को हमें बहुत आगे ले जाना है, तंग है और राह हमारी बहुत कठिन है, तंग है राह और जाना बहुत दूर है हमको, खुद को हर कदम पे ये याद दिलाए रखिए, खुद को हर कदम पे ये याद दिलाए रखिए। कुछ तो जीने का भी क्षमा अंजाम बुराइयों बुरे हर काम का हुआ, क्षमा अंजाम बुराइयों बुरे हर काम का हुआ, अपनी नीयत को बुराई से बचाए रखिए, अपनी नीयत को बुराई से बचाए रखिए। कुछ तो जीने का भी एहसास बनाए रखिए, कुछ तो जीने का भी। धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आप सभी का, बहुत सुंदर आवाज, बहुत सुंदर प्रस्तुति। एक छोटा सा गीत सुनाना चाहूँगा। स्वागत। पाकिस्तान और जितने भी हमारे देश के विरोधी चाइना है, उन सबको तो हमने मुंह तोड़ जवाब दे दिया है, लेकिन अभी भी हमारे देश में कुछ ऐसे गद्दार बसे हुए हैं जो देश का खाते हैं और देश से ही गद्दारी करते हैं। ऐसे अस्तिन के सांपों पर मैंने एक गीत लिखा है, वो आपको समक्ष पेश करना चाहूँगा। स्वागत है मुनीश भैया। करता तू अपने मुल्क से गर प्यार नहीं है, क्या आवाज है भाई, वाह, प्यार नहीं है, प्यार नहीं है, तू कुछ भी सही दोस्त वफादार नहीं है। अरे जय हो, जय हो। तू कुछ भी सही दोस्त वफादार नहीं है। और पहला बोल समर्पित उस अभिनेता को। दिल वाले तुझको चंदन ने चोटी पे चढ़ाया, दीवान तुझको हम ही ने आंखों पे बिठाया, बाजीगर तूने अपना असली रूप दिखाया, थाली में उसी छेद किया जिसमें थकाया, दिल वाले तुझको जनता ने चोटी पे चढ़ाया, दीवाने तुझको हम ही ने आंखों पे बिठाया, बाजीगर तूने अपना असली रूप दिखाया, थाली में उसी छेद किया जिसमें थकाया, नायक तू होगा सच्चा कलाकार नहीं है, तू कुछ भी सही दोस्त वफादार नहीं है। और अगला पल समर्पित उस शायर को जो अभी
कुछ दिनों पहले भी उसने जहरीले बयान दिए, वैसे माँ के ऊपर शायरी करता है और बहुत नाम कमाया उसने माँ के ऊपर शायरी करके, उसके ऊपर एक बंद पेश करता हूँ। जिस माँ पे शेर लिख के तूने नाम कमाया, माँ भारती का तुझको क्या ख्याल न आया, जो जनता यहाँ अक्स अर्श पर चढ़ाती है, वो जनता ही तो यहाँ फर्श पर लिटाती है। जिस माँ पे शेर लिख के तूने नाम कमाया, माँ भारती का तुझको क्या ख्याल न आया, जो जनता यहाँ अक्स पर चढ़ाती है, वो जनता ही तो यहाँ फर्श पर लिटाती है। अब ये न कहना दोस्त तू गद्दार नहीं है, तू कुछ भी सही दोस्त वफादार नहीं है। शुक्रिया बहन जी। और एक बंद समर्पित उस नेता को जो एक छुटभैया नेता है लेकिन उल्टे सीधे कर्म करके बड़ा नेता बनना चाहता है। कैंपस में देशद्रोह के नारे लगाने पकड़ा गया था, वो भी उल्टी सीधी बयानबाजी करता है उसके लिए। कैंपस में देशद्रोह के नारे लगाते हो, खुद को देश भक्त फिर काहे बताते हो, नाम कन्हैया है मगर काम कंस के, देश की इज्जत कर काहे डुबाते हो। कैंपस में देशद्रोह के नारे लगाते हो, कैंपस में देशद्रोह के नारे लगाते हो, खुद को देश भक्त फिर काहे बताते हो, नाम कन्हैया है मगर काम कंस के, देश की इज्जत कर काहे डुबाते हो। तुझसे बड़ा तो कोई भी मक्कार नहीं है, तू कुछ भी सही दोस्त वफादार नहीं है। और अब एक बंद एक ऐसे सरदार के नाम, जो सरदार तो है लेकिन असरदार नहीं है, आप समझ जाएंगे नाम मैं किसका लेता नहीं। छुप छुप के मुल्क पीठ पे जवार करता है, एक बार नहीं वो तो सौ सौ बार करता है, उस देश के दुश्मन को जो गले लगाता है, ऐसा भी कभी क्या कोई खुद्दार करता है। सरदार की जगह खुद्दार कर दिया मैंने। छुप छुप के मुल्क पीठ पे जो वार करता है, एक बार नहीं वो तो सौ सौ बार करता है, उस देश के दुश्मन को जो गले लगाता है, ऐसा भी कभी क्या कोई खुद्दार करता है। अजगर है यार ये कोई सरदार नहीं है। अरे क्या बात है भाई किशन भैया, वाह वाह। सिद्धू जी को समझते गए होंगे आप। अच्छा ये जो है किशन भैया हैं जो भी माला पहनाने आए थे जी, इन्हें कवि सम्मेलन सुनने का इतना शौक है इन्हें, और ये कट्टर भाजपाई हैं साहब, है ना, बहुत इतना शौक है कवि सुनने का कि हर जहां भी कवि सम्मेलन होता है मोनिका जी का, ये मोनिका देलवी जी के देवर है, तो ये हर जगह कवि सम्मेलन सुनने आते हैं, पर इनके सम्मान में जरूरत आई। वाह वाह भाई क्या बात है, स्वागत है। एक ऐसे नेता के नाम जो देश के सर्जिकल स्ट्राइक पे भी सबूत मांगता है प्रधानमंत्री से, लेकिन भाग्य में किस्मत ने पलटा खाया और किसी राजा का राजा बन बैठा है। उसकी चार सीट आई थी लोकसभा इलेक्शन में, जब लोगों ने कहा था कि चार कांधे मिल गए हैं, उसके लिए मैंने लिखा है, वो सुनाना चाहूंगा। बिल्ली के भाग से ये छीका फिर न टूटेगा, भाग्य किसी राज्य का अब फिर न रूठेगा, अब चार कह कांधों से भी तू महरूम रहेगा,
रक्स कहता है ये कल जमाना कहेगा, बिल्ली के भाग से ये छीका फिर ना टूटेगा, भाग्य किसी राज्य का फिर न रूठेगा, अब चार कांद से भी तू महरूम रहेगा। आज अक्स कहता है ये कल जमाना कहेगा, विश्वास के लायक तेरा किरदार नहीं है, तो कुछ भी सही दोस्त वफादार नहीं है। और अंत करने से पहले एक बम समर्पित है, पर कश्मीर के उन पत्थरबाजों के समर्पित है जिन्हें सेना बार बार प्राकृतिक आपदाओं से बचाती है और वो बार बार सेना वही पत्थर फेंकते हैं। जिन फौजियों ने बाढ़ से तुमको बचाया था, रक्षा तुम्हारी करने को तन मन लगाया था, उन फौजियों ने आपसे पत्थर क्यों खाए हैं, एहसान का क्या खूब ये बदला चुकाया था, जिन फौजियों ने बाढ़ से तुमको बचाया था, रक्षा तुम्हारी करने को तन मन लगाया था, उन फौजियों ने आपसे पत्थर क्यों खाए हैं, एहसान का क्या खूब ये बदला चुकाया था। अब घाटी में आतंक ये स्वीकार नहीं है, तो कुछ भी सही किंतु वफादार नहीं है। शुक्रिया, कमाल कर दिया मुनीश भैया। और अंतिम बंद ऐसे उन्हीं आस्तीन के सांपों को समर्पित जिस पर पूरा गीत लिखा है। जब तक हमारी आस्ती में सांप रहेंगे, मित्रता को पाक साफ कैसे कहेंगे, छुप छुप के अक्स पीठ पे जो वार करते हैं, उनको ज्यादा दूर तक अब हम न सहेंगे। जब तक हमारी आस्ती में सांप रहेंगे, मित्रता को पाक साफ कैसे कहेंगे, छुप छुप के अक्स पीठ पे जो वार करते हैं, उनको ज्यादा देर तक अब हम न सहेंगे। इस दोगुनी यारी की अब दरकार नहीं है, तो कुछ भी सही दोस्त वफादार नहीं है, करता तू अपने मुल्क से गर प्यार नहीं है, प्यार नहीं है, प्यार नहीं है, तो कुछ भी सही दोस्त वफादार है। शुक्रिया, धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है। और अब मैं बुलाना चाहूंगा बहन सुषमा सवेरा जी को कि वो मंच पे आएं और अपने सुंदर गीतों से मंच को लाभान्वित करें। मुझे से मिलने सनम, मुझे राह में पत्थर मिले, मैं संवारती उन्हें गई, मैं संवारती गई, तब जाके मुझको तुम मिले, मैं चली थी तुझ से मिलने सनम, मैं भूलती उन्हें गई, जो थे जिंदगी की रोशनी। कौन? माता पिता। मैं भूलती उन्हें गई, जो थे अनजान पथ पे मैं चली, अनजान पथ पे मैं चली, तब जाके मुझको तुम मिले, मैं चली थी तुझ से मिलने सनम।
और देखिए जब कुछ नहीं पता होता कि कौन कैसा है, लेकिन वो रिश्तों को बखूबी निभाती है। न पता था है मंजिल कहाँ, चलती गई न पता था है मंजिल कहाँ, चलती गई पग में मेरे छाले पड़े, पग में मेरे छाले पड़े, तब जाके मुझ को तुम मिले, मैं चली थी तुझ से मिलने सनम। और आखिरी बंद पे ध्यान चाहूंगी। न पता था है मंजिल कहाँ, चलती गई न पता था है मंजिल कहाँ, चलती गई अपना ही माना था तुम्हें, अपना ही माना था तुम्हें, तब जाके मुझ को तुम मिले, मैं चली थी तुझ से मिलने सनम। धन्यवाद, शुक्रिया। और समापन से पहले एक बार फरमाइश है बहन समीक्षा जी को सुनने की, अगर 5 मिनट का एक गीत अगर सुना सकें तो। बहन जी, पिछली बार भी मेरी ख्वाहिश अधूरी रह गई थी, इस बार भी आप ये ख्वाहिश अधूरी छोड़ के जा रही हैं। वो जिन्हें संदेह है अपनी विजय पर, इस सुना दीजिए प्लीज। तालियों के गड़गड़ाहट के साथ स्वागत किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनाने को तो मैं रात भर सुना सकती हूँ, भैया कह रहे हैं 5 मिनट, मैं तो रात भर सुना सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे अच्छा लगा कि आज सभी कवियों ने कहीं ना कहीं देश की, हिंदुत्व की बात करी। मैं इन सब के लिए चाहती हूँ आप एक बार जोरदार तालियां बजाइए। आज मेरा मन हुआ था कि मैं कुछ श्रृंगार भी पढूं, लेकिन जो यहाँ पर छवि है मैं उसी के अनुकूल काव्य पाठ करती हूँ। सुनिएगा, बैठिएगा भैया, आपके लिए ही पढ़ती हूँ, विशेष रूप से आपके मन की होंगी। सुनिएगा कि हर दंगे में शामिल क्यों हूँ, हर दंगे में शामिल क्यों है, हर दंगे में शामिल क्यों है, कौम तुम्हारी जाहिल क्यों है। आप समझ रहे हैं किसके लिए बात कर रही हूं। तो हर दंगे में शामिल क्यों है, कौम तुम्हारी जाहिल क्यों है, और माना ये सरकार बुरी है, माना ये सरकार बुरी, तो दुनिया भर में मुश्किल क्यों है। और जिनको अपनी ओर उठी हर नजर सवाली लगती है, जिनको अपनी ओर उठी हर नजर सवाली लगती है, और जिन्हें अक्सर खतरे में टोपी जाली लगती है, जिनको अपनी ओर उठी हर नजर सवाली लगती है, और जिन्हें खतरे में अक्सर टोपी जाली लगती है, वो जाकर देखें दुनिया में बाकी देशों में हालत, वो जाकर देखें दुनिया के बाकी देशों में हालत। बाकी देशों में जब जाते हैं तो एयरपोर्ट पर चड्डी उतरवा ली जाती है, जो यहाँ के बनते हैं ना, कि हम बहुत बड़े पठान सूरमा हैं। मैंने उन पठानों को जहाज के पंखों पर लटकते भागते हुए देखा है, जो कहते हैं ना पठान बहुत योद्धा कौम होती है, उनकी चड्डियां उतरवा जाती हैं अमेरिका में, और जहां उनको सारी सुविधाएं दी जाती हैं वहां उनको डर लगने लगता है। तो जिनको अपनी ओर उठी हर नजर सवाली लगती है, और जिन्हें अक्सर खतरे में टोपी जाली लगती है, वो जाकर देखें दुनिया के बाकी देशों में हालत, सारी दुनिया को उनकी ही कौम बवाली लगती है, सारी दुनिया में उनकी ही। और अब एक नए गीत से आपको जोड़ने का प्रयास करती हूँ, अभी तक नहीं पढ़ा है कहीं मैंने, लेकिन कोशिश करती हूँ। हाँ, वो भी सुनाऊंगी, तो परेशान क्यों, लिफाफा मुझे दिया तो मैं तो पूरा वसूल करके ही जाऊंगी। पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि विपदाओं से हार नहीं मानी जिसने, एक आपको संबल का गीत देती हूँ, एक आपको साहस का गीत देती हूँ, कि विपदाओं से हार नहीं मानी जिसने, विपदाओं से हार नहीं मानी जिसने, संतरासों का भी उपहास उड़ाया है,
विपदाओं से हार नहीं मानी जिसने संतरासों का भी उपहास उड़ाया है। विपदाओं से हार नहीं मानी जिसने संतरासों का भी उपहास उड़ाया है। ठहर गया जो वो मैला हो जाएगा, क्या बात, ठहर गया जो वो मैला हो जाएगा, रुका नहीं उसने इतिहास बनाया। बहुत अच्छा, बहुत शिक्षा प्रद। विपदाओं से हार नहीं मानी जिसने संतरासों का भी उपहास उड़ाया है। ठहर गया जो वो मैला हो जाएगा, रुका नहीं उसने इतिहास बनाया है। और कुछ बातों को देखिएगा कि हम आज 70 साल बाद समझ पाए हैं कि चरखे से आजादी नहीं आई थी। जो हमारे योद्धा लड़े थे, जिन्होंने सीने पर गोलियां खाई थी, जिन्होंने सर पर लाठियां खाई थी, जिन्होंने फांसी के फंदों को चूमा था, उनके बदौलत हम आज आजाद हैं। लेकिन कितने वर्षों तक हम चरखे को पूजते रहे। तो कुछ बातों का मिथ्य जगत में पूजित है, कुछ बातों का मिथ्य जगत में पूजित है, कुछ बातों का सत्य सदा ही हारेगा। कुछ बातों का मिथ्य जगत में पूजित है, कुछ बातों का सत्य सदा ही हारेगा। कुछ बातों से मन भी शंकित होता है, कुछ बातों को विश्व नहीं स्वीकारेगा। कुछ बातों से मन भी शंकित होता है, कुछ बातों का को सत्य सदा ही हारेगा। कुछ बातों से मन भी शंकित होता है, कुछ बातों को विश्व नहीं स्वीकारेगा। मत सोचो ये जग वाले क्या सोचेंगे, मत सोचो ये जग वाले क्या सोचेंगे, जग ने प्रभु को भी वनवास कराया है। मत सोचो ये जग वाले क्या सोचेंगे, कुछ बातों का मिथ्य जगत में पूजित है, कुछ बातों का सत्य सदा ही हारेगा। कुछ बातों से मन भी शंकित होता है, कुछ बातों को विश्व नहीं स्वीकारेगा। मत सोचो ये जग वाले क्या सोचेंगे, मत सोचो ये जग वाले क्या सोचेंगे, जग ने प्रभु को भी वनवास कराया है। ठहर गया जो वो मैला हो जाएगा, रुका नहीं उसने इतिहास बनाया है। और कहीं लगे कि हमारे संबंधी हमसे छूट गए हैं। कई बार ऐसा होता है, जब हम सत्य की राह पर चलते हैं तो हमारे अपने साथ छोड़ देते हैं। तो आपको निराश नहीं होना है, सुनिएगा कि लूट गए उन पणबंधों की क्या चिंता, लूट गए उन पणबंधों का क्या रोना, छूट गए उन संबंधों का क्या रोना। लूट गए उन पणबंधों का क्या रोना, छूट गए उन संबंधों का क्या रोना। सभी अकेले आए आकर जाएंगे, टूट गए उन अनुबंधों का क्या रोना। ब्रह्म सत्य है तुम भी एक दिन जाओगे, ब्रह्म सत्य है तुम भी एक दिन जाओगे, इस जग में मिथ्या आवास सजाया है। ठहर गया जो वो मैला हो जाएगा, रुका नहीं उसने इतिहास बना। क्या बात है, बहुत खूब दीदी। मैं जो वो कविताएं पढ़ती हूँ ना आग वाली, वो इसलिए पढ़ती हूँ कि आप जागृत उसी पे होते हैं। जब साहित्यिक गीत पढ़ती हूँ तो इसलिए पढ़ती हूँ कि आपको पता रहे कि मैंने 10 विषयों में एमए किया है। तो आप ये मत समझिएगा कवित्री खड़ी है सामने तो सिर्फ आग लगाने के लिए खड़ी है। आपको साहित्य भी बहुत श्रेष्ठ, मेरा कोई भी गीत, मेरा कोई भी छंद कहीं मात्राओं से बहर से खारिज नहीं होता है। मैं जो भी पढ़ती हूँ पूरा बहर में होता है, मात्राओं में होता है। तो ठहर गया जो वो मैला हो जाएगा, रुका नहीं उसने इतिहास बनाया है। जब तक जीवन है तब तक है उत्कंठा, जब तक जीवन है तब तक है उत्कंठा, जब तक अंतिम श्वास बची जिज्ञासा है। जब तक जीवन है तब तक है उत्कंठा, जब तक अंतिम श्वास बची जिज्ञासा है। गहरे में जाते ही बाहर है आना,
गहरे में जाते ही बाहर है आना, बाहर आकर मन जन्मों से प्यासा है। गहरे में जाते ही बाहर है आना, बाहर आकर मन जन्मों से प्यासा है। पापों की गठरी को ढोते फिरते हो, पापों की गठरी को ढोते फिरते हो। जीवन में कैसा अपग्रास लगाया है, ठहर गया जो वो मैला हो जाएगा, रुका नहीं उसने इतिहास बनाया। बहुत खूब, बहुत खूब, लाजवाब। और कहीं अपने आप पर गर्व हो, जब आपको लगे कि नहीं हमारे सामने संकट बहुत बड़ा है, तब याद करिएगा कि हमारे पूर्वजों ने क्या क्या किया है। आपको याद कराती हूँ, सुनिए भैया, आपके लिए ही पढ़ रही हूँ, अगली बार से पेमेंट डबल कर लूंगी। सुनिएगा कि ठहर गया जो वो मैला हो जाएगा, रुका नहीं उसने इतिहास बनाया है। कभी धार रोकी गंगा की तीरों से हमने, कभी धार रोकी गंगा की तीरों से, सेतु बनाकर हमने सागर पार किया। कभी धार रोकी गंगा की तीरों से, सेतु बनाकर हमने सागर पार किया। करी अस्थियां दान तभी तो वज्र बना, करी अस्थियां दान तभी तो वज्र बना, हमने जाने कितनों का उद्धार किया। कभी धार रोकी गंगा की तीरों से, सेतु बनाकर हमने सागर पार किया। करी अस्थियां दान तभी तो वज्र बना, हमने जाने कितनों का उद्धार किया। दे आए हैं अभयदान हम देवों को, दे आए हैं अभयदान हम देवों को, नहीं कभी हमने मधुमास मनाया है। ठहर गया जो वो मैला हो जाएगा, रुका नहीं उसने इतिहास बनाया है। ठहर गया जो वो मैला हो जाएगा, रुका नहीं उसने इतिहास बनाया है। और वो गीत मुझे भैया याद, मैं देखती हूँ, इतना याद अपना सुना दो। ठीक है, मैं देखती हूँ। वो जिन्हें संदेह है अपनी विजय पर, वो जिन्हें संदेह है अपनी विजय पर, वो जिन्हें संदेह है अपनी विजय पर, है उचित अपने अभी हथियार रख दें। आप जब रण क्षेत्र में हैं, पहुंच गए हैं, तब आपके पास विकल्प नहीं है। पहले ही आपको अगर कहीं मन में भ्रम है तो पहले ही हथियार रख दीजिए कि वो जिन्हें संदेह है अपनी विजय पर, वो जिन्हें संदेह है अपनी विजय पर, है उचित अपने अभी हथियार रख दें। मान बैठे हैं पराजित जो स्वयं को, मान बैठे हैं पराजित जो स्वयं को, है उचित अपने सभी अधिकार रख दें। वाह, क्या है, उचित अपने सभी अधिकार रख दें, क्योंकि जो पराजय प्राप्त करता है उसके अधिकार भी समाप्त हो जाते हैं। तो वो जिन्हें संदेह है अपनी विजय पर, हो चुका है नाद जब रण में विजय का, हो चुका है नाद जब रण में विजय का, और जब लहरा रही अपनी ध्वजाएं, हो चुका है नाद जब रण में विजय का, और जब लहरा रही अपनी ध्वजाएं, कायरों की भात तुम जड़ बन खड़े क्यों, कायरों की भात तुम जड़ बन खड़े क्यों, अब रहे जब तक रुधिर मारे भुजाएं, युद्ध है तो युद्ध में सब कुछ सही है। वाह, युद्ध है तो युद्ध में सब कुछ सही है, युद्ध है तो युद्ध में सब कुछ सही है, है उचित अपने सभी उपकार रख दें। है उचित अपने सभी उपकार रख दें, वो जिन्हें संदेह है अपनी विजय पर, पूजते हैं वीर जिसको प्राण देकर,
पूजते हैं वीर जिसको प्राण देकर, पर्व है उल्लास का ये रण नहीं है। पूजते हैं वीर जिसको प्राण देकर, पर्व है उल्लास का ये रण नहीं है। है बड़े वो भाग्यशाली जो समर में, है बड़े वो भाग्यशाली जो समर में, लिख रहे इतिहास भय का क्षण नहीं है। लिख रहे इतिहास भय का क्षण नहीं है। कामनाओं के सभी अब त्याग चिंतन, कामनाओं के सभी अब त्याग चिंतन, कामनाओं के सभी अब त्याग चिंतन, है उचित अपने सभी अभिसार रख दें। मान बैठे हैं पराजित जो स्वयं को। अंतिम बंद पढ़ती हूँ इस गीत का, कि ये तरुणता का नहीं क्षण युद्ध है ये। युद्ध के समय कोई भी बचकानी बात नहीं होती, हम बचपना नहीं कर सकते हैं। ये तरुणता का नहीं क्षण युद्ध है ये। बन गरुण तुम अब अरुण का हाथ थामो, ये तरुणता का नहीं क्षण युद्ध है ये। बन गरुण तुम अब अरुण का हाथ थामो, ये करुणता का नहीं रण क्रुद्ध है ये। बन अरुण तुम अब धरुण की नाथ थामो, लक्ष्य केवल जीत है इतना विदित हो। लक्ष्य केवल जीत है इतना विदित हो। है उचित अपने सभी व्यवहार रख दे। है उचित अपने सभी व्यवहार रख दे। मैंने इस बंद में वो बात कहने का प्रयास किया है कि जो प्रभु श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जब आप युद्ध क्षेत्र में हैं तो आपके व्यवहार, आपके रिश्तेदार, आपके नातेदार सब एक तरफ हैं, क्योंकि आप जब धर्म का युद्ध लड़ रहे होते हैं तो सामने आपका पिता हो, भाई हो, जो भी हो, अगर अधर्म के साथ है तो आपका शत्रु है। तो इसलिए सारे व्यवहार रखने हैं। अब यहीं पर अंत करती हूँ, एक गजल पढ़ देती हूँ, आज मेरा मन है, अगर आप लोग सुनना चाहें तो बताइए, सुनना चाहते हैं तो पढ़ती हूँ। स्वागत है दीदी। एक मुक्तक से बात शुरू करती हूँ भैया, गजल के दो एक शेर हैं कि न कोई एहसान न कोई परवाह। मेरा आत्मविश्वास, मेरे अपने आप का गर्व गजलों में भी बरकरार रहता है जितना मुझे गीतों में रहता है, कि न कोई एहसान न कोई परवाह, किसी का कोई असर नहीं है। न कोई एहसान न कोई परवाह, किसी का कोई असर नहीं है। न कोई एहसान न कोई परवाह, किसी का कोई असर नहीं है। मैं अपनी शर्तों पे जी रही हूँ, मेरा कोई हम सफर नहीं है। मैं खुद गिरी हूँ, मैं खुद उठी हूँ, मैं खुद गिरी हूँ, मैं खुद उठी हूँ, मैं खुद गिरी हूँ, मैं खुद उठी हूँ। लड़ी भी तन्हा जमाने भर से, मैं खुद गिरी हूँ, मैं खुद उठी हूँ, लड़ी भी तन्हा जमाने भर से। मैं अपनी शर्तों पे जी रही हूँ, मैं अपनी शर्तों पे जी रही हूँ, मुझे जहाँ की फिक्र नहीं है। न कोई जिंदाबाद, कोई परवाह, किसी का कोई असर नहीं है। एक गजल की दो शेर और पढ़ती हूँ कि वफा की राहों में चोट खाकर, मैं खुद ही गिर कर संभल रही हूँ। ये मैं इसलिए पढ़ रही हूँ मोहब्बत वाली बात, कि मेरी यहाँ बहन मोनिका बैठी हैं, बहुत गजल के पारखी मेरे भाई यहाँ बैठे हुए हैं, दोनों बहनें बहुत अच्छा पढ़ रही हैं, बहुमुखी प्रतिभा। और मैं इसलिए बता दूं कि मैं भी गजल पढ़ लेती हूँ, इसलिए थोड़ा सा बता देती हूँ कि मैं भी मतलब श्रृंगार श्रृंगार मेरे अंदर भी है। वो अलग बात है कि मैं आग लेके घूमती हूँ, पेट्रोल और माचिस साथ लेके चलती हूँ, लेकिन कहीं थोड़ा सा मतलब ये स्पीच भी बहुत अच्छी देती है। हाँ, वो तो
दरअसल भैया को तो डर भी लगा रहता है, मुझसे कुछ पूछ रहे थे कि दीदी थोड़ा हल्का कर लोगी। मैंने कहा नहीं भैया, हल्के से कह दिया हल्का, लेकिन पड़ती भारी हूँ मैं। चलिए। वफा की राहों में चोट खाकर मैं खुद ही गिर कर संभल रही हूँ, वफा की राहों में चोट खाकर मैं खुद ही गिर कर संभल रही हूँ। बदल चुका है बहुत जमाना, बदल चुका है बहुत जमाना, मैं खुद को भी अब बदल रही हूँ। बदल चुका है। और एक बहुत कहीं खुददारी का शेर है, सुनिएगा कि तुम्हें मुबारक तुम्हारी खुशियाँ, मेरी बहनों को समर्पित है कि तुम्हें मुबारक तुम्हारी खुशियाँ, मुझे गमों की कबूल हसरत, तुम्हें मुबारक तुम्हारी खुशियाँ, मुझे गमों की कबूल हसरत, फितूर तुमको चराग हो तुम, फितूर तुमको चराग हो तुम, गुरूर मुझको मैं जल रही हूँ। वफा की राहों मैं चोट खाकर मैं खुद ही गिर कर संभल रही हूँ। और एक शेर पढ़ती हूँ कि जब हम प्रेम करते हैं, आप सभी ने इसको महसूस किया होगा कि प्रेम में जब हम अकेले होते हैं तब ज्यादा पीड़ा होती है, और अक्सर हम जो होते हैं रात्रि के समय अकेले होते हैं। तो एक शेर हुआ है, पढ़िए सुनिएगा कि न सोया होगा मुझे यकीन है, जिससे आप प्रेम करते हैं, कि न सोया होगा मुझे यकीन है ये दर्द केवल यही नहीं है, न सोया होगा मुझे यकीन है ये दर्द केवल यही नहीं है, तड़पता होगा वहां वो तन्हा, तड़पता होगा वहां वो तन्हा, यहां मैं करवट बदल रही हूँ। वफा मैं चोट खाकर मैं खुद ही गिर कर संभल रही हूँ। और आखिरी शेर इस गजल का है, अक्सर मुझसे कहते हैं जैसे मैं कविता पढ़ती हूँ वैसे ही अपने जीवन में भी हूँ, कि मुझे जो बुरा लगता है मैं फटाक से बोलती हूँ, मुंह पे बोलती हूँ, तो लोग मुझसे कहते हैं कि मतलब बहुत अहंकारी है या बहुत गलत बोलती है। तो मैं एक शेर उसके लिए है कि मुझे सिखाती है जो सलीका, मुझे सिखाती है जो सलीका, वो लोग मेरा जवाब सुन लें, मुझे सिखाती है जो सलीका, वो लोग मेरा जवाब सुन ले, भरी है सबने जो आग मुझ में, भरी है सबने जो आग मुझ में, मैं आग वो ही उगल रही हूँ। वफा की राहों मैं चोट खाकर मैं खुद ही गिर कर संभल रही हूँ। और आखिरी, अब बहुत मैंने खून पी लिया आप लोगों का, मैं बढ़ गया, अच्छा ऐसे मत कहो, पता है कवियों को तारीफ इतनी पसंद होती है घंटे भर और पढ़ जाएंगे खड़े होके। चलिए आखिरी पढ़ते हैं और बस महफिल का समापन करते हैं यहीं से, के तुम्हारी महफिल से जा रही है, तुम्हारी महफिल से जा रहे हैं, न जाने फिर हम कहाँ मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। तुम्हारी महफिल से जा रहे हैं, न जाने फिर हम कहाँ मिलेंगे, तुम्हारी महफिल से जा रहे हैं, न जाने फिर हम कहाँ मिलेंगे, हमारे जख्मों के देख लेना, हमारे जख्मों के देख लेना, तुम्हारे दिल पर निशान मिलेंगे, तुम्हारी महफिल से जा रहे हैं, न जाने फिर अभी तो जाते हो दूर हमसे, अभी तो जाते हो दूर हमसे, मगर हमेशा ये याद रखना, अभी तो जाते हो दूर हमसे, मगर हमेशा ये याद रखना, जहाँ भी जाओगे इस जहाँ में सनम तुम्हें हम वहाँ मिलेंगे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद।
आखिरी शेर पढ़ती हूँ इसका, कि जब कभी मैं ये ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे याद किया जाए अगले जन्म में, जब मैं जन्म लूँ तो मेरा अगर नाम हो तो पूरे सम्मान के साथ हो, जैसे राधा और कृष्ण का है। प्रेम ऐसा हो जिसमें कहीं भी अगर मैं श्रृंगार पढ़ती हूँ तो मेरे पिता और मेरे भाई सामने बैठे हों तो उसको मुझे पढ़ने में झिझक न लगे, तब तो वो श्रृंगार है, अन्यथा की स्थिति में उसको अश्लीलता मानती हूँ। तो मैं इस प्रेम को पढ़ती हूँ, सुनिएगा, कि मेरा अगर पुनर्जन्म हो तो मेरा नाम किस तरीके से लिया जाए, सुनिएगा। कि हमारे चर्चे जहान भर में, हमारे चर्चे जहान भर में कुछ इस तरह से मशहूर होंगे, हमारे चर्चे जहान भर में कुछ इस तरह से मशहूर होंगे। कभी दोबारा जहां में आना, कभी दोबारा जहां में आना, हमारे किससे जवां मिलेंगे तुम्हारी महफिल। मोनिका जी, ये बजरंग दल वाले श्रृंगार भी बड़े मन से सुनते हैं, देखो है एकदम से लठिया भूल गए इस समय ये लोग। चलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये बाद वाला सब भूल जाना, पहले ही वाला ओरिजिनल था, वही याद रखना है। जागृत हिंदू, सुरक्षित भारत, जय श्री राम, जय श्री राम। और इसी के साथ कार्यक्रम के समापन की आज्ञा, दोबारा मुलाकात होगी।